हे गाइस, तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सराउंडिंग द हेवेंस। इसका एनिमेशन ग्राफिक्स बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल का है और स्टोरी की चिंता आप मत करो क्योंकि इसका नोवेल चेंग डोंग के द्वारा लिखा गया है जो कि परफेक्ट वर्ल्ड के भी राइटर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसका स्टोरी कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं एस्ट्रोनॉट्स सैटेलाइट से बाहर निकलकर कुछ इक्विपमेंट्स एक्सचेंज कर रहे थे। तभी स्पेस में हम देखते हैं कुछ ड्रैगन्स एक कॉफिन को लेकर काफी तेजी से अर्थ की तरफ बढ़ रहे थे। साथ ही उस कॉफिन से काफी सारे मैजिक फेदर बाहर आते हैं। दरअसल डिवाइन डायनेस्टी के पूर्वज कई सालों से इस डिवाइन पोर्ट को सही करने में लगे थे पर किसी से भी ये इमोर्टल पोर्ट सही नहीं हुआ और वो सभी इस पोर्ट को इसलिए सही करना चाहते थे ताकि वो सब इमोर्टैलिटी को अचीव कर सके। सिर्फ इस पोर्ट को सही करने के लिए यहाँ के किंग लाखों लोगों को सेक्रीफाइस कर चुके थे पर अभी भी वो पोर्ट सही नहीं हुआ था। आगे हम जिया नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपने भाई जैक के साथ रहती थी पर वो किंग उस पोर्ट को सही करने के लिए जैक को भी सेक्रीफाइस करने के लिए ले जाते हैं। जैक अपनी से कहता है तुम घबराओ मत, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। आगे वो लोग जैक को सेक्रीफाइस कर देते हैं पर जैक अपने आखिरी वक्त में भी कह रहा था कि मैं ऐसे नहीं मर सकता, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। कुछ सालों बाद इतने सारे लोगों को सेक्रीफाइस करने के बाद फाइनली वो पोर्ट सही हो जाता है पर जिया बड़ी हो चुकी थी, वो अपने भाई को ढूंढते हुए यहाँ आई थी। दूसरी तरफ वो किंग इस बात से काफी ज्यादा खुश था कि इमोर्टल पोर्ट अब सही हो चुका है, उसके पूरे पूर्वज इस पल का इंतजार कर रहे थे। तभी जिया उस पैलेस में आती है और काफी सारे सोल्जर को किल कर देती है। ये देखकर किंग को काफी गुस्सा आता है और वो अपने पावर से जिया पे अटैक करता है। जिया फौरन ही अपने रियल फॉर्म में आती है। किंग पूछता है क्या तुम यहाँ इमोर्टल पोर्ट लेने आई हो? जिया कहती है नहीं, मैं तो तुम्हें यहाँ किल करने आई हूँ। ये सुनकर किंग को काफी गुस्सा आता है और दोनों में फाइट होने लगती है। जिया काफी आसानी से उसे डिफीट कर पा रही थी और किंग अकेले ही उसे हैंडल नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो एंशिएंट ड्रैगन को रियल फॉर्म में कर देता है। वो सभी ड्रैगन जिया पे अटैक करने लगते हैं पर जिया बड़ी ही आसानी से उन ड्रैगन को किल कर देती है। साथ ही वो किंग पे एक पावरफुल अटैक करती है। किंग पूछता है आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जिया कहती है मैं तुम्हें किल करके अपने भाई का बदला ले रही हूँ और वो उसे किल कर देती है। इवन कि वो गुस्से से पूरे किंगडम को ही डिस्ट्रॉय कर देती है। साथ ही वो अपने बचपन के पल को याद करती है जहाँ जैक उसे एक मास्क देता है। जिया को ये मास्क काफी ज्यादा पसंद आता है और वो अपने भाई के साथ काफी ज्यादा खुश थी। ये सब याद करके वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है भाई अगर लाखों साल बाद भी तुम्हारा पुनर्जन्म होगा तब भी मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आगे हम जैक को देखते हैं और ये इसका पुनर्जन्म है। उसे एंशिएंट बुक पढ़ने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है और उसे एंशिएंट चीजों से रिलेटेड काफी ज्यादा नॉलेज है पर फिर भी वो अपने आप से पूछता है क्या वाकई में एंशिएंट सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करते हैं। तभी उसे याद आता है कि उसे अपने क्लास रियूनियन के लिए जाना है। वो फौरन ही अपने लग्जरी कार से क्लास रियूनियन के लिए निकल जाता है जहां उसका फ्रेंड उसे मर्सिडीज कार से उतरता हुआ देखता है तो वो काफी ज्यादा इंप्रेस होता है। आगे हम ली नाम के बंदे को देखते हैं जो कि जैक का क्लासमेट है। वो काफी ज्यादा रूड था और दो बंदे उसका चमचागिरी कर रहे थे क्योंकि वो काफी ज्यादा अमीर था। तभी वहाँ जैक आता है। ली जैक को देखकर कहता है मैंने सुना है कि सामन के साथ तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। तभी बाहर से वो बंदा आता है और पूछता है क्या वो मर्सिडीज कार तुम्हारी है? जैक कहता है हाँ, पर तभी ली कहता है कुछ लोग तो बस क्लास रियूनियन को अटेंड करने के लिए मर्सिडीज जैसी लग्जरी कार रेंट पे ले लेते हैं। जैक उसे कुछ भी नहीं कहता है, उसे पता था कि ली शुरुआत से ही ऐसा है। तभी सामन एक बंदे के साथ वहाँ आती है जो कि इन सबका क्लासमेट नहीं था, इसलिए लिन सोमिन से पूछती है। सोमिन बताती है कि ये उसका फ्रेंड कैड है। जैक सोमिन को किसी और के साथ देखता है तो उसे काफी बुरा फील होता है। आगे हम देखते हैं वो सभी ड्रैगन उस कॉफिन को लेकर काफी तेजी से अर्थ की तरफ बढ़ रहे थे, इवन कि वो सैटेलाइट को भी डिस्ट्रॉय करते हुए अर्थ की ओर जाते हैं। दूसरी तरफ वो सभी न्यूज देख रहे थे जिसमें हेवी रेनफॉल और बाढ़ आने की वार्निंग दी जाती है। उनमें से एक बंदा कहता है मौसम तो काफी खराब होने वाली है, बेहतर होगा कि हम यहाँ से जल्दी निकल जाए। जैक कहता है मुझे लगता है इतने बारिश और बाढ़ में हम कार से नहीं जा सकते। तभी ली उसे टीज करते हुए कहता है हाँ रेंट की कार है ना, इसलिए तुम उसे ड्राइव करने से डरते हो। साथ ही वो लिन और बाकी क्लासमेट्स को अपने साथ ले जाता है पर अचानक ही काफी तेज बारिश होने लगती है, वो सभी कार के अंदर ही फंस जाते हैं। तभी जैक वहाँ बोट लेकर आता है और सबको बचा लेता है। पूरा शहर ही बाढ़ से भर चुका था, साथ ही वहाँ काफी ह्यूज साइक्लोन भी फॉर्म हो रहे थे। जैक इतने बाढ़ में बोट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और वो बोट लेकर साइक्लोन के ऊपर ही चला जाता है। आगे वो बोट एक पहाड़ के बीच में फंस जाती है। सब बोट से बाहर निकलकर पहाड़ के ऊपर जाते हैं। जैक बताता है ये माउंट ताई कोई ऑर्डिनरी प्लेस नहीं है, यहाँ बीस्ट को सेक्रीफाइस किया जाता है। तभी वो सब ऊपर से उस ड्रैगन को आता हुआ देखते हैं, सब घबरा कर वहाँ से भागने लगते हैं पर जैसे वो ड्रैगन कॉफिन के साथ वहाँ गिरता है तो वहाँ का पूरा बिल्डिंग ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो सभी किसी गुफा में चले जाते हैं। सब काफी घबराए हुए थे कि ये कौन सी जगह है और यहाँ तो एक कॉफिन भी है। सब
उस ड्रैगन को देखकर और भी ज्यादा डर जाते हैं। तभी उनमें से एक लड़की को एक खास तरह का पैटर्न दिखता है। जैक बताता है शायद ये मोंटाई का टेम्पल होगा और यहाँ की रिचुअल्स भी एंशिएंट लैंग्वेज में है। फिर लिन उन एंशिएंट टेक्स्ट को करीब से देखने जाती है, पर जैसे वो स्क्रिप्चर को टच करती है सारे टेक्स्ट ग्लो करने लगते हैं। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी वहाँ एक पोर्टल ओपन होता है और वो सभी ड्रैगन कॉफिन को लेकर पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। अचानक ही वो कॉफिन खुलता है और सारे लोग कॉफिन के अंदर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। आगे वो सभी उस पोर्टल से कहीं और चले जाते हैं। कॉफिन के अंदर ही वो सभी किसी और डायमेंशन में आ चुके थे। फिर सारे रॉक्स मर्ज हो जाते हैं। सबको यहाँ आकर काफी अजीब लग रहा था, सब काफी घबराए हुए थे। तभी जैक का फ्रेंड फैंग बाहर आता है जो कि छुपकर सबका पीछा कर रहा था। आगे वो सभी ड्रैगन इन सबको किसी और वर्ल्ड में ही ले जाते हैं। सब अचानक ही उस कॉफिन से बाहर आते हैं। जैक कहता है ये तो फिर से एक नई रिचुअल प्लेस है और वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ उन्हें एक जाइंट स्टेचू मिलती है और उसमें किसी और लैंग्वेज में कुछ लिखा था। जैक समझ जाता है कि वो सब अब अर्थ पे नहीं है बल्कि वो सभी किसी और प्लेनेट पे आ चुके हैं। ये सुनकर उनमें से एक बंदा काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो काफी तेजी से वहाँ से भागने लगता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो किसी और प्लेनेट पे है। फिर वो एक दलदल में फंस जाता है। किसी तरह से सब मिलकर उसे बचाते हैं। जैक और फैंग उन स्टेचू के ऊपर जाते हैं तो उन्हें काफी दूर लाइट दिखाई देती है। सब उस लाइट की ओर जाने लगते हैं। आगे काफी दूर जाने के बाद उन्हें एक टेम्पल मिलता है। फैंग पूछता है आखिर ये कौन सी जगह है। जैक को वहाँ एक चमकीला पत्थर मिलता है, वो उसे अपने पास रख लेता है। जैक बताता है एनसीडी कोड के अकॉर्डिंग कबीर किंग के सन को इसी टेम्पल के नीचे सुपर नेचुरल पावर मिली थी और वो सभी उस टेम्पल के अंदर जाने लगते हैं। अंदर जैक एक लैम्प को उठाता है, तभी एक छोटा सा इंसेक्ट उनमें से एक लड़की को किल कर देता है। ये इंसेक्ट दिखने में तो काफी छोटे हैं पर ये बहुत ही खतरनाक हैं। जैक कहता है सब लोग यहाँ से मैजिकल वेपन उठा लो और इस इंसेक्ट को किल करो, क्योंकि जैक को सब कुछ पहले से ही पता था। वो पहले ही इस किंगडम के बारे में एंशिएंट बुक्स में पढ़ा था जो कि डीमन से फाइट किए थे और उनकी स्टेचू भी इस टेम्पल में बनी है। आगे वो सभी मैजिकल वेपन के यूज करके उन इंसेक्ट को किल करने लगते हैं। तभी वो इंसेक्ट काफी ज्यादा तादाद में बाहर निकलते हैं। जैक कहता है अब तो हमें यहाँ से निकलना होगा। साथ ही वो पूरे क्लासमेट से कहता है जिनके पास भी मैजिकल वेपन है वो सामने खड़े हो जाएं। और फिर वो एक शील्ड बनाकर बाहर निकलने लगता है, पर फिर से वो इंसेक्ट उनमें से एक बंदे को किल कर देती है। फैंग कहता है शील्ड के टॉप में एक होल हो चुकी है और हमें उसे ढकना होगा। आगे जैक और फैंग टेम्पल वाले बोर्ड को लाते हैं और उसी से उस होल को कवर करते हैं। जैक देखता है उनके पीछे से काफी सारे इंसेक्ट आ रहे थे। सब काफी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, पर तभी जैक मैजिकल लैंप का यूज करता है। पर तभी जैक मैजिकल लैंप में कुछ स्पेल करता है और वो उन इंसेक्ट को जला देता है। ये देखकर फैंग काफी ज्यादा खुश होता है, पर ली काफी ज्यादा जेलस होता है। आगे वो सभी उस कॉफिन वाले जगह पे जाने लगते हैं और उनके चारों तरफ से एक शील्ड आ रही थी। जो कोई भी उस जोन से बाहर जा रहा था सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो पूरा टेम्पल ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो इंसेक्ट उस शील्ड से अंदर भी नहीं आ रहे थे, इसलिए वो सभी इंसेक्ट शील्ड के नीचे से दूसरी तरफ जाते हैं और फिर से एक और बंदे को काफी ज्यादा घायल कर देते हैं। वो बंदा जैसे ही जोन से बाहर जाता है वो फौरन ही इलिमिनेट हो जाता है। ये देखकर सब और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और उनमें से दो लड़की इतना ज्यादा थक जाती है कि अब उनसे चला भी नहीं जा रहा था। इसलिए जैक उनको बोट पे बिठाकर कॉफिन की ओर स्लाइड कर देता है और बाकी सब भागते हुए किसी तरह कॉफिन के पास जाते हैं। साथ ही वो शील्ड भी उन पिलर्स के पास आकर रुक जाती है और वो इंसेक्ट लगातार शील्ड के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। अब सबको यकीन होता है कि सब सेफ है। तभी ली की नजर जैक के लैंप पे जाती है। दरअसल वो जैक के लैंप को हासिल करना चाहता था क्योंकि जैक उस मैजिकल लैंप से उन इंसेक्ट को किल कर रहा था, इसलिए ली उसे हासिल करने के लिए अपने दो चमचों से कहता है। इधर फैंग जैक को एक पोर्टल दिखाता है। जैक यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। तभी उसे एक पिलर पे एंशिएंट टेक्स्ट दिखाई देता है। जैक बताता है यहाँ से निकलने के लिए उन्हें ब्लड सेक्रीफाइस करना होगा और वो पिलर को और भी नजदीक से देखने के लिए जाता है। तभी उनमें से एक बंदा जैक को शील्ड से बाहर धक्का देता है। जैक तो किसी तरह से बच जाता है, पर अब वो उस बंदे को शील्ड से बाहर करने वाला था तो वो बंदा अपनी जान की भीख मांगने लगता है और बताता है कि वो अपने दोस्त के कहने पे ऐसा किया। फैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे मारने लगता है। तभी उन्हें एक बीस्ट की आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं उस टेम्पल से एक जाइंट बीस्ट बाहर आता है। वो बीस्ट इतना जोर से चीखता है कि उनका शील्ड भी टूट जाता है। इसी बीच वो इंसेक्ट काफी तेजी से उस एरिया में जाने लगते हैं और सब फिर से मैजिकल वेपन से उन इंसेक्ट को किल करने लगते हैं। जैक और फैंग मैजिकल वेपन से काफी सारे इंसेक्ट को किल कर रहे थे। जैक एक इंसेक्ट को किल करता है तो उसका ब्लड नीचे गिरता है और ये ब्लड सेक्रीफाइस होकर उस पिलर तक जाने लगती है। अब जैक को समझ आ जाता है कि उसे क्या करना
करना है। तभी वहाँ फिर से एक पोर्टल ओपन होने लगता है। वो सबको बताता है कि अगर हम यहाँ से निकलना चाहते हैं तो उनको इन इंसेक्ट को किल करना होगा और उनके ब्लड को यहाँ सेक्रीफाइस करना होगा, तभी हम इस पोर्टल से बाहर जा सकते हैं। सब काफी तेजी से उन इंसेक्ट को किल करने लगते हैं और उनके ब्लड सेक्रीफाइस होने लगती है। दूसरी तरफ गॉडजिला बेस्ट काफी तेजी से उनके तरफ बढ़ रहा था। सब लगातार उन इंसेक्ट को किल कर रहे थे और ब्लड सेक्रीफाइस रिचुअल भी हो रही थी। तभी वो बेस्ट शील्ड के पास पहुंचता है जहां शील्ड दोबारा से फॉर्म हो चुकी थी और वो शील्ड के अंदर नहीं जा पा रहा था। दूसरी तरफ वो सभी काफी सारे इंसेक्ट को किल कर देते हैं। तभी वो पोर्टल ग्लो करने लगता है और वो सभी ड्रैगन फिर से उठकर उस पोर्टल में जाने लगते हैं। तभी फिर से वो कॉफिन ओपन होता है और वो बेस्ट शील्ड को तोड़ देता है। सब काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो बेस्ट काफी ज्यादा जोर से चीखने लगता है। फैंग जैक से पूछता है, आखिर ये किस टाइप की बीस्ट है? मुझे तो लगता है कि ये उन इंसेक्ट का ही एंसेस्टर है। सब घबरा कर वहाँ से भागने लगते हैं, पर वो बेस्ट सबसे पहले उस कॉफिन के पास जाता है और कॉफिन के अंदर अपना हाथ डालता है। जैसे उसका हाथ एक बॉक्स से टच होता है, उसे काफी जोर का झटका लगता है। गुस्से से वो बहुत जोर जोर से चीखने लगता है। साथ ही वो अपने चेन से उन पे अटैक करता है, पर जैक फौरन ही सियामन को बचा लेता है। आगे वो बेस्ट जैक को कुचलने ही वाला था, पर तभी वो क्रिस्टल ग्लो करने लगता है जिससे वो बेस्ट थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। इतने में ही फैंग वहाँ आकर जैक को बचा लेता है। जैक समझ जाता है कि बोधी प्लैनेट की वो क्रिस्टल एक मैजिकल क्रिस्टल है, इसलिए वो फैंग से कहता है, तुम बाकी क्लासमेट्स को बचाओ, तब तक मैं इसे संभालता हूँ। इधर वो बेस्ट लगातार उस कॉफिन को खोलने की कोशिश कर रहा था और फैंग सबको उस चेन से बचा रहा था। फिर वो बेस्ट अपनी पूरी एनर्जी गैदर करता है जिससे कुछ लोगों की मैजिकल वेपन अट्रैक्ट होती है और वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। आगे वो बेस्ट एक बंदे को कुचल कर मार देता है और जोर जोर से चीखने लगता है। जैक उसके चेन की मदद से उस पिलर तक पहुंचता है और उस मैजिकल क्रिस्टल को निकाल कर बेस्ट पे अटैक करने जाता है। जैसे वो क्रिस्टल ग्लो करती है, उस बेस्ट को काफी ज्यादा तकलीफ होती है और वो जोर जोर से चीखने लगता है। पर इतने में ही वो पोर्टल एक्टिवेट होता है और सब अचानक ही उस कॉफिन में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। फिर वो सभी ड्रैगन उस कॉफिन को लेकर पोर्टल के अंदर चला जाता है। ये देखकर वो बेस्ट काफी ज्यादा गुस्सा होता है, साथ ही वो एक एनर्जी फॉर्म में आकर नीचे चला जाता है। दूसरी तरफ वो सभी अभी भी उस कॉफिन में थे। फैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि वो सभी किस जगह पे फंस चुके हैं, हर बार उनमें से कोई मर रहा है। जैक उसे शांत करवाता है और वो सभी ड्रैगन उस कॉफिन को लेकर कहीं और जा रहे थे और जैक कॉफिन के अंदर एक्सप्लोर कर रहा था जहाँ उसे एक खास तरह की पैटर्न दिखाई देती है। तभी सियामिन कहती है, ये कॉफिन काफी अजीब है, ये बिल्कुल भी किसी ऑर्डिनरी कॉफिन जैसा नहीं है, आखिर इसे किसने बनाया होगा? जैक कहता है, ये हम सब के समझ से बाहर है, शायद ये ब्रॉन्ज कॉफिन एंशिएंट सिविलाइजेशन से है। तभी एक बंदा कहता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है और मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, चलो पहले कहीं सोते हैं और शायद जब हम सोकर उठे तब हम अर्थ पे टेलीपोर्ट हो जाएं। इसी होप के साथ वो बंदा आराम से सो जाता है और बाकी सब भी आराम करने लगते हैं। उनमें से एक बंदा अपनी फैमिली का फोटो देखकर याद करने लगता है और कहता है, शायद हम दोबारा मिल पाए, और ऐसे ही सब आराम करने लगते हैं। तभी एक बंदे को सीने में काफी जोर की दर्द होती है और अचानक ही वो बंदा मर जाता है जिससे सबका नींद टूट जाता है। फैंग देखता है कि वो बंदा मर चुका है। ली कहता है, जैक तुम भी तो पहले इसे किल करना चाहते थे, शायद तुमने इसे किल किया है। ली जैक को फंसा देता है। जैक कहता है, मैंने इसे नहीं मारा है। तभी वो बंदा कहता है, देखो ये तुम्हारे पैर के नीचे ही मरा है, जिससे साफ जाहिर होता है कि तुमने इसे मारा है, और ये बंदा तो उन इंसेक्ट और मॉन्स्टर से भी बच गया पर इस कॉफिन में आकर मर गया, इसका क्या मतलब है? तभी एक लड़की कहती है, क्लास लीडर मुझे पता है इस बंदे से एक गलती हुई थी, पर अब आप अपने क्लासमेट को किल कर रहे हैं। ये सुनकर फैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है, ये तुम सब क्या बकवास कर रहे हो, जैक ने उसे नहीं मारा है। दूसरी तरफ लिन कहती है, हमारे क्लास लीडर ऐसा नहीं है कि वो अपने क्लासमेट्स को किल करे, वो तो काफी अच्छे हैं। जिस पर ली कहता है, इस कॉफिन में तो हम सभी मौजूद हैं, तो फिर इसे किसने मारा? तभी वो अमेरिकन बंदा कहता है, जैक इस कॉफिन में आने से पहले उस बंदे को किल करना चाहता था, तो ये तो साफ है कि जैक ने उसे किल किया है। ये सुनकर फैंग काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है, विदेशी बंदे तू चुप कर वरना मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। तभी सियामिन कहती है, कैट तो बस इस मैटर के बारे में बता रहा है। साथ ही सियामिन का आंख रेड हो जाता है और वो कहती है, शायद ये सच है कि जैक ने इसे किल किया है। ये सुनकर फैंग काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, सियामिन तुम जैक के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? पर जैक इस बारे में कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है, इवन कि वो अपने बारे में सफाई भी नहीं दे रहा था, वो सबको इग्नोर कर रहा था। तभी वो उस बंदे का हाथ उठाता है, तभी उसके बॉडी से वही इंसेक्ट बाहर आती है। फैंग कहता है, सब अपने मैजिकल वेपन बाहर निकालो, और वो जैक से पूछता है, ये इंसेक्ट इस कॉफिन के अंदर कैसे आई? जैक कहता है, ये इंसेक्ट जरूर उसके कपड़े में छुप गई होगी। आगे वो फैंग को सभी को प्रोटेक्ट करने को कहता है और वो खुद उस
इंसेक्ट को ढूंढने चला जाता है। वो इंसेक्ट फौरन ही कहीं छुप जाता है और जैक लैम्प की मदद से उसे ढूंढ रहा था। तभी अचानक ही वो इंसेक्ट ऊपर से जैक पे अटैक करता है। जैक उस इंसेक्ट से बच जाता है और मैजिकल लैम्प से उसे किल कर देता है। तभी उसका हाथ एक बॉक्स से टच होता है और फिर से एंशिएंट टैक्स ग्लो करने लगती है। जैक उस क्रिस्टल को बाहर निकालता है और वो देखता है सारे एंशिएंट टैक्स फिर से ग्लो कर रहे हैं। तभी फैंग पूछता है क्या वो इंसेक्ट मिला। जैक बताता है मैं उसे पहले किल कर चुका हूँ। और अचानक ही वो कॉफिन हिलने लगता है, साथ ही वहाँ एक रोड मैप फॉर्म होता है। दूसरी तरफ फिर से एक पोर्टल ओपन होता है और वो सभी ड्रैगन उस कॉफिन को लेकर एक पहाड़ पे रुक जाते हैं। फिर सब अचानक ही उस कॉफिन से बाहर आते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है हम फिर से एक नई जगह पे टेलीपोर्ट हो चुके हैं। तभी वो कॉफिन पहाड़ से नीचे गिर जाता है। उनमें से एक बंदा कहता है अच्छा हुआ कि हम पहले ही बाहर आ गए, वरना हम सब भी साथ में नीचे गिर जाते। फैंग पूछता है आखिर नीचे कितनी गहराई होगी। तभी एक बंदा कहता है अब तो वो कॉफिन चला गया है, मतलब कि अब हम यहाँ से टेलीपोर्ट नहीं हो सकते। ये सुनकर एक बंदा काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है अगर ऐसा हुआ तो हम वापस अपने घर कैसे जाएंगे, अब हम सब तो यहाँ फंस चुके हैं। ली कहता है मैं तो यहाँ नहीं रह सकता, मैं वापस जा रहा हूँ। तभी जैक उसे रोकता है और कहता है जब तक हमें पता नहीं चल जाता कि हमारे साथ क्या हो रहा है तब तक हम यहाँ से जाने का रास्ता नहीं ढूंढ सकते, इसलिए बेहतर होगा कि हम सब साथ मिलकर यहाँ से वापस जाने का रास्ता ढूंढे और ये जगह पहले से काफी ज्यादा सेफ है। शामिन पूछती है क्या हमारे अलावा यहाँ कोई और भी रहता है। जैक कहता है ये तो हमें इस पहाड़ के नीचे जाने के बाद ही पता चलेगा। और वो सभी यहाँ से नीचे जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। आगे जैक और फैंग एक रिवर को क्रॉस करते हैं। जैक उन सब से कहता है तुम सब संभल कर आना क्योंकि ये लेव्स काफी ज्यादा स्लिपरी है, और सब संभल कर उस रिवर को क्रॉस कर लेते हैं। आगे जैक फैंग से कहता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि ये जगह काफी ज्यादा शांत है। फैंग कहता है हाँ, ना तो यहाँ कोई परिंदे हैं और ना ही यहाँ कोई कीड़ा है, शायद इस प्लेनेट पे ये सब चीजें मौजूद ही ना हो। तभी उनमें से एक पर्सन को एंशिएंट टेक्स्ट में कुछ लिखा हुआ दिखता है। फैंग उसे पढ़ने के लिए फौरन ही साफ करने लगता है। जैक बताता है कि ये एंशिएंट फॉरबिडन लैंड है। तभी वो पर्सन पूछता है इसका क्या मतलब है, क्या ये जगह हमारे लिए सेफ नहीं है। तभी उन्हें एक जायंट बर्ड की चीखने की आवाज सुनाई देती है और इतने जायंट बर्ड को देखकर सब काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। जैक उसे देखता है तो वो समझ जाता है कि ये फिनिक्स बर्ड है और वो सबको बताता है कि इसकी गोल्डन विंग्स और फेदर बिल्कुल ही ब्लेड जैसा शार्प है। वो सबको वार्न करता है कि कोई भी अपनी जगह से ना हिले क्योंकि ये बर्ड सिर्फ लिविंग चीजों पे ही हमला करती है। पर ली जैक पे भरोसा नहीं करता है और वो वहाँ से भागने लगता है, साथ ही उसके पीछे उसके दो चमचे भी भाग रहे थे। और जैसे वो जॉइंट बर्ड उनको भागते हुए देखती है तो वो फौरन ही उन पे हमला करने जाती है। जैक कहता है उस बर्ड को पता चल गया है कि हम सब लिविंग बींग है, इसलिए हमें यहाँ से फौरन ही भागना होगा। साथ ही वो बर्ड उन पे हमला करती है। किसी तरह से वो सभी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। जैक कहता है ऐसी जगह ढूंढो जहाँ हम सब छुप पाए। इधर वो बर्ड लगातार उन पे हमला कर रही थी। दूसरी तरफ ली और उसके चमचे एक झाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। इधर इन सबको पास में एक गुफा मिलता है और सब गुफा के अंदर छुप जाते हैं। साथ ही वो फिनिक्स बर्ड गुफा के अंदर नहीं जा पा रही थी, इसलिए वो हार मानकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वो ली और उसके साथियों को देख लेती है, इसलिए वो उनपे अटैक करने जाती है। वो तीनों किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, तभी वो बर्ड उनके सामने आ जाती है। ली अपनी पूरी कोशिश करके मैजिकल वेपन से उस पे अटैक कर रहा था, पर फिनिक्स बर्ड उसे अपने साथ ले जाने लगती है। तभी जैक वहाँ आता है और मैजिकल लैंप का यूज करके उस रोप को ही चला देता है। इधर ली काफी ऊंचाई से नीचे गिरता है और उसके दो चमचे उसकी सेवा में लग जाते हैं। तभी फैंग कहता है अगली बार तुम अगर ऐसे भागे तो तुम्हें कोई भी नहीं बचाएगा। ये सुनकर ली काफी ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। आगे फैंग जैक से पूछता है तुम उस जायंट बर्ड के बारे में कैसे जानते हो। जैक बताता है कि वो एंशिएंट बुक में उन बर्ड्स के बारे में पढ़ा था। पहले तो उसे इन चीजों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं था, उसे ऐसा लगता था कि एंशिएंट चीजें सिर्फ किताबों में ही पाई जाती है। लेकिन अब जब वो सब कुछ देख रहा है तो उसे यकीन हो रहा है कि एंशिएंट वर्ल्ड रियल में एग्जिस्ट करती है। तभी उनमें से एक बंदे को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है और सब काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी एक पर्सन कहता है मुझे माफ करना, मैं काफी ज्यादा भूखा हूँ इसलिए मेरी पेट आवाज कर रही है। वो भूख के मारे नीचे बैठ जाता है और कहता है अगर मुझे किसी जानवर का सिर्फ हेड ही रोस्ट किया हुआ मिलता तो मेरी भूख मिट जाती। फैंग कहता है एक हेड से कुछ भी नहीं होता, यहाँ तो हम सब भूखे हैं, अगर हम सब उस जायंट बर्ड को रोस्ट करते हैं। तभी कैड कहता है मुझे भी काफी जोर की भूख लगी है। लिन कहती है यहाँ हम सब भूखे हैं लेकिन उससे पहले हम सबको अपनी जान बचानी होगी। जैक कहता है हम सब अलग होकर खाने की तलाश करेंगे और कोई भी ज्यादा दूर मत जाना। सब इस बात से एग्री होते हैं और सब अलग अलग होकर खाने की तलाश करने लगते हैं। आगे फैंग जैक से पूछता है क्या तुम्हें लगता है कि हमें यहाँ कुछ खाने को मिलेगा। जैक कहता है मुझे नहीं पता पर हमें अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ तो ढूंढना होगा। तभी फैंग जैक को पास में एक तालाब दिखाता है। वो दोनों फौरन ही तालाब के पास जाते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। फिर जैक को वहाँ एक पेड़ दिखता है।
होता है जिसमें काफी सारे फल लगे थे। फैंग फौरन इस फल को तोड़ने जाता है। साथ ही जैक उस फल को देखकर काफी ज्यादा खुश था। तभी उसे अपने पिछले जन्म की विजन आती है जिसमें वो और उसकी बहन खेल रहे थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश थे। उसकी बहन जिया कहती है, भाई मुझे पकड़कर दिखाओ। फिर वो जैक को वही मास्क देती है। तभी जैक उस फल को कैच करता है और वो उसे काफी गौर से देखने लगता है। फैंग पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें तो भूख लगी थी ना, तो जल्दी से खा लो। जिस पर जैक कहता है, हम तो इस फ्रूट के बारे में जानते भी नहीं है और इसके कलर से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जहरीला फल है। फैंग बताता है कि वो पहले ही दो फल को खा चुका है और उसे कुछ भी नहीं हुआ। आगे वो दोनों बैठकर उस फल को खाने लगते हैं। फैंग एक और फल को खाने लगता है पर जैक उसे खाने से मना करता है और कहता है उनके क्लासमेट्स को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला होगा, इसलिए हम बचे हुए फल को उनके लिए ले जाएंगे। पर फैंग नहीं मान रहा था, उसे और खाने का मन था। वो कहता है, हम तो सिर्फ 5 फल को ही खाए हैं। दूसरी तरफ ली और उसके साथी खाने की तलाश कर रहे थे पर उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला था, इसलिए वो थक कर आराम करने लगते हैं। तभी वो लड़की कहती है, मेरे पास बस इतने ही चॉकलेट है, और वो सभी चॉकलेट को खाने लगते हैं। वो लड़की कहती है, हम उनके साथ नहीं है, है ना? ली कहता है, हमें खुद से सर्वाइव करना होगा, इसलिए हमें जैक से मैजिकल लैंप छीनना होगा, वरना जैक ऐसे ही हमें ऑर्डर देता रहेगा। बस सही चांस का इंतजार करो, मौका मिलते ही हम उसे किल कर देंगे। ये सुनकर वो लड़की हैरान होती है और पूछती है, क्या सच में तुम उसे किल करना चाहते हो? जैक इतना भी बुरा नहीं है, बल्कि वो तो हम सब की जान बचाया है। तभी उनके पीछे से डार्क फ्लूइड आती है। सब उसे देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। ली कहता है, यहाँ जरूर कुछ तो गड़बड़ है, चलो यहाँ से भागते हैं। तभी उस गुफा से एक जायंट टेंटिकल बाहर आता है और वो उस पर्सन को पकड़कर अंदर ले जाता है, साथ ही उस लड़की को भी पकड़कर अंदर ले जाता है, पर ली उससे बच जाता है। आगे हम लीना को देखते हैं जो कि खाने की तलाश में काफी ज्यादा थक चुकी थी। तभी वहाँ जैक और फैंग आता है। वो उससे पूछता है, क्या तुम्हें कुछ खाने को मिला? लीना कहती है, नहीं। फिर फैंग उनको फ्रूट खाने देता है और पूछता है, बाकी सब कहाँ है? वो बंदा कहता है, हम सब तो अलग अलग निकले थे तो हमें नहीं पता बाकी सब कहाँ है। तभी ली वहाँ घबराते हुए आता है और कहता है, वो दोनों किसी गड्ढे में गिर गए हैं। जैक पूछता है, कहाँ? फैंग लीना से कहता है, तुम दोनों बाकी सबको ढूंढो, तब तक मैं और जैक उनको बचाते हैं। वो दोनों ली के साथ उसे बचाने के लिए जाते हैं। आगे ली उनको उसी जगह पे ले जाता है और जानबूझकर उनको पुकारने लगता है ताकि जैक और फैंग को शक ना हो, उनको लगे कि वो दोनों सच में किसी गड्ढे में गिर गए हैं। फैंग पूछता है, बताओ वो दोनों कहाँ हैं? जिस पर ली कहता है, मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन लग तो रहा है कि वो दोनों इसी गुफा में आए थे। जैक को ली पे शक हो जाता है। तभी ली उनको एक गड्ढे के पास ले जाता है और कहता है, शायद यही वो गड्ढा है। जैक और फैंग लगातार उनका आवाज दे रहे थे पर ली उनको मारने की तैयारी कर रहा था। इधर जैक को ली पे शक हो जाता है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। तभी ली जैक को गड्ढे में धक्का देता है पर जैक सही टाइम पे वहाँ से हट जाता है, जिससे ली उसे गड्ढे में गिर जाता है। तभी उस गड्ढे से एक टेंटिकल बीस्ट बाहर आता है। जैक और फैंग फौरन ही अपने मैजिकल वेपन को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। साथ ही वो बीस्ट काफी तेजी से उनका पीछा कर रहा था। दूसरी तरफ वो सभी जैक और फैंग को ढूंढते हुए उनके करीब आ रहे थे। जैक उन सबसे कहता है, फौरन यहाँ से भागो, और सब वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वो बीस्ट एक जगह पे रुककर काफी जोर से चीखने लगता है। आगे जैक और फैंग को लगता है कि वो मॉन्स्टर उनका पीछा नहीं कर रही है, पर फिर भी वो सभी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागते हैं। सब काफी ज्यादा थक चुके थे, साथ ही सबको गर्मी लग रही थी, इसलिए थकान की वजह से सब वहीं पे लेट जाते हैं। इधर जैक को भी चक्कर जैसा लग रहा था, इसलिए वो तालाब के किनारे जाने की कोशिश करता है, पर वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो देखता है फैंग काफी छोटा हो चुका है। फैंग कहता है, मुझे छोड़ो, पहले तुम अपने आप को देखो। जैक पानी में देखता है तो वो भी छोटा हो गया था। फैंग बताता है कि वो दोनों बेहोश हो गए थे और जब उनको होश आया तो वो बच्चे बन गए। आखिर ये कैसे हुआ? खैर ये जगह काफी अजीब है। जैक कहता है, चलो देखते हैं बाकी सबका क्या हाल है, क्या वो सब भी हमारी तरह बदल गए? आगे उन्हें वैंग मिलता है जो कि काफी बूढ़ा हो चुका था। फैंग पूछता है, तुम सब बूढ़े कैसे हो गए? उनमें से एक बंदा बताता है, थोड़ी देर पहले हम सबको चक्कर आई थी और जब हम उठे तो हम सबकी ये हालत हो गई। जैक पूछता है, लीना और जीलिंग कहाँ है? तभी वहाँ लीना आती है और उसे कुछ भी नहीं हुआ था। ये देखकर शॉमिन लीना से पूछती है, तुम दोनों को कुछ क्यों नहीं हुआ? लीना कहती है, हमें भी नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। शॉमिन सोचने लगती है, आखिर ये सब हमारे साथ ही क्यों हुआ, हम सभी बूढ़े क्यों हो गए? जैक समझ जाता है कि जो लोग उस फल को खाए थे उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, पर जैक और फैंग उस फल को ज्यादा खाए थे इसलिए वो छोटा हो गए हैं। आगे हम उसी मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि फिर से सबका पीछा करता है और मैक्सिमम लोग बूढ़े हो चुके थे इसलिए वो सही से भाग भी नहीं पा रहे थे। तभी वैंग फंसकर गिर जाता है और टेंटिकल मॉन्स्टर भी काफी तेजी से वैंग की ओर बढ़ रहा था। तभी जैक मैजिकल लैंप से उस मॉन्स्टर पे अटैक करता है, पर वो मॉन्स्टर भी अपने टेंटिकल से जैक को काफी दूर फेंक देता है। जैक और फैंग मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अलग डायरेक्शन में भागते हैं।
हैं। जैसे वो मॉन्स्टर काफी तेजी से जैक और फैंग का पीछा करता है, दूसरी तरफ उसके क्लासमेट्स कोई सेफ जगह ढूंढ रहे थे। आगे वो मॉन्स्टर जैक और फैंग के बहुत ही करीब आ जाता है और टेंटिकल से उन पे अटैक करता है। वो दोनों किसी तरह से बच जाते हैं पर वो मॉन्स्टर लगातार उन पे हमला करता है। साथ ही जैक और फैंग नीचे गिरने लगते हैं, तभी अचानक ही वहाँ फायरबॉल गिरने लगता है। फैंग पूछता है ये सब क्या हो रहा है। जैक बताता है ये जरूर उस कॉफिन के अंदर कुछ मिस्टीरियस है और ये सब उस कॉफिन से जुड़ी है। तभी वो मॉन्स्टर जैक को खाने ही वाला था पर फैंग वहाँ आकर उसे बचा लेता है। आगे वो दोनों स्लाइड करते हुए बहुत ही फास्ट नीचे जाते हैं। जैक देखता है कि वो मॉन्स्टर उन फायरबॉल से बच रहा था, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उनको फिर से खाने जाता है पर इस बार जैक मैजिकल लैम्प से उसके मुंह में अटैक करता है, जिससे वो मॉन्स्टर वहीं पे रुक जाती है। साथ ही उस पे कई सारे फायरबॉल स्ट्राइक होते हैं जिससे वो मॉन्स्टर वहीं पे जलकर मर जाता है। इधर जैक और फैंग पे भी एक स्ट्राइक होता है जिससे वो दोनों काफी दूर जाकर गिरते हैं। आगे सारे क्लासमेट जैक और फैंग को ढूंढते हुए यहाँ आए थे, तभी जैक और फैंग खाई से ऊपर आता है। लीना इमोशनल हो गई थी क्योंकि उसे लग रहा था जैक और फैंग उस मॉन्स्टर से नहीं बच पाए। तभी उन सबको बहुत ही दूर एक पैलेस दिखता है। सब डिसाइड करते हैं कि वो उस पैलेस में जाकर उन लोगों से मदद मांगेंगे और वापस अपनी दुनिया में चले जाएंगे, पर वो पैलेस बहुत ही दूर था और सब काफी थके हुए थे, उनसे अब चला भी नहीं जा रहा था। फैंग उसे एक लकड़ी तोड़कर देता है और सब आगे बढ़ने लगते हैं। ऐसे ही सुबह हो जाती है। जैक और फैंग देखते हैं कि वो दोनों नॉर्मल हो चुके हैं पर वो सब अभी भी बूढ़े थे। जैक कहता है शायद वो सब अभी तक इस जंगल से बाहर नहीं निकले हैं। तभी फैंग कहता है ये तो वही जगह है जहाँ पिछले रात वो लकड़ी तोड़ा था, मतलब कि वो सब वापस उसी रास्ते में आ गए हैं। ये सुनकर वैंग कहता है अब मुझसे नहीं चला जाएगा और वो वहीं पे लेट जाता है। इधर जैक को एक मैजिकल पेटल दिखता है। वो कहता है ये पेटल्स कहाँ से आ रही है। फैंग पूछता है क्यों तुम इस पेटल को पहले भी देख चुके हो। जैक कहता है हाँ ये पेटल काफी जाना पहचाना लग रहा है। आगे वो सब किसी तरह उस बंदे को उठाते हैं और फिर से सब आगे बढ़ने लगते हैं और इस बार वो सभी जंगल से बाहर आ जाते हैं। सब काफी खुश थे। तभी वैंग कहता है ये मैं क्या देख रहा हूँ, कहीं हम सब मर तो नहीं गए, कोई बंदा हवा में कैसे उड़ सकता है। तभी उनके सामने एक एल्डर आते हैं और पूछते हैं तुमसे वेंसेंट फॉरबिडन लैंड से आए हो है ना। फैंग पूछता है क्या आप उस पैलेस से आए हो। एल्डर कहता है पैलेस कौन सी पैलेस। फैंग उसे इशारा करके दिखाता है पर अब वहाँ कोई भी पैलेस नहीं था। एल्डर बताते हैं एंशिएंट फॉरबिडन लैंड एक एंशिएंट टेरिटरी है और जो लोग एंशिएंट फॉरबिडन लैंड से सरवाइव कर लेते हैं उन्हें एक फेरी पैलेस दिखता है, पर वो पैलेस उनसे दूर जाता रहता है। लेकिन तुम सब एंशिएंट फॉरबिडन लैंड में कैसे पहुंचे। जैक बताता है जब वो एक पहाड़ पे चल रहे थे तब से ही वो सब टेलीपोर्ट होकर किसी और वर्ल्ड में आ चुके हैं और हमें नहीं पता कि हम वापस अपने वर्ल्ड में कैसे जा सकते हैं। एल्डर कहते हैं ये तो काफी अच्छी बात है कि तुम सब एंशिएंट फॉरबिडन लैंड से सरवाइव करके यहाँ आ गए, क्योंकि ऐसा सिर्फ हजारों साल में एक बार होता है और अगर तुम सब कल्टीवेशन करोगे तो तुम सब मेरी तरह स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। अगर तुम प्रैक्टिस करना चाहते हो तो तुम सब मेरे स्प्रिट सेक्ट में आ सकते हो, मैं तुम सबको अच्छे से कल्टीवेशन करना सिखाऊंगा। लिन पूछती है क्या हम कल्टीवेशन करके वापस से नॉर्मल हो सकते हैं। एल्डर कहता है तुम सब स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ नॉर्मल भी हो जाओगे, जिस पर सब काफी खुश होते हैं कि वो सब अब वापस से जवान हो सकते हैं। पर जैक और फैंग कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। एल्डर पूछते हैं तुम दोनों नहीं करना चाहते हो। फैंग कहता है क्या मैं प्रैक्टिस करने के बाद आपके जैसा हवा में उड़ सकता हूँ। एल्डर हंसते हुए कहता है अगर एक बार तुम सब कल्टीवेशन में सक्सेस अचीव कर लोगे तो ऐसे फ्लाई करना नॉर्मल सी बात है। ये सुनकर सब काफी खुश होते हैं और कहते हैं और शायद हम कल्टीवेट करके वापस अपने वर्ल्ड में जा सकते हैं। सब कल्टीवेशन करने के लिए एग्री हो जाते हैं। फिर वो एल्डर अपने साथ सबको ले जाने लगता है और सब फर्स्ट टाइम हवा में उड़ रहे थे इसलिए सब काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। तभी उनपे कोई अटैक करता है। वो एल्डर फौरन ही शील्ड क्रिएट करते हैं पर इससे कुछ भी नहीं होता है। वो सब नीचे गिरने लगते हैं। एल्डर सभी को सेफली लैंड करते हैं। तभी वहाँ युहोंग नाम की एक एल्डर आती है। वो एल्डर कहते हैं मुझे पता है तुम इनको अपने साथ ले जाना चाहती हो पर ये सभी मुझे पहले ही प्रॉमिस कर चुके हैं कि ये स्प्रिट सेक्ट यानी मेरे साथ जाएंगे। युहोंग कहती है स्प्रिट सेक्ट में वे जैसे स्ट्रॉन्ग डिसाइपल हैं, साथ ही वो जीनियस भी है, इसलिए तुम सब हेजे सेक्ट को ज्वाइन कर लो, ये सेक्ट तुम लोगों के लिए काफी अच्छा है। तभी वहाँ एक और एल्डर आते हैं और कहते हैं हेजे सेक्ट का ट्रेनिंग इतना अच्छा भी नहीं है इसलिए बेहतर होगा कि तुम सब सन सेक्ट को ज्वाइन कर लो। तभी वहाँ एक और एल्डर आते हैं और ये कॉलरॉन सेक्ट से हैं, इनका नाम मोयुन है। वो कहते हैं तुम सब कॉलरॉन सेक्ट ज्वाइन कर लो, मतलब कि सभी एल्डर्स इन सब को अपने सेक्ट में लेना चाहते थे। एल्डर मोयुन कहते हैं तुम दोनों काफी स्ट्रॉन्ग हो इसलिए तुम दोनों मेरे सेक्ट को ज्वाइन कर लो। पर तभी एल्डर वेंसेंट जैक और फैंग को अपने साथ ले जाने लगते हैं। ये देखकर एल्डर हॉन्ग उन पे एरो से अटैक करती
होती है, जिससे जैक और फैंग का मैजिकल थ्रेड टूट जाता है और दोनों नीचे गिरने लगते हैं। पर तभी वो एल्डर उनको बचा लेते हैं और ऐसे ही सभी एल्डर में फाइट होने लगती है। एल्डर होंग कहती है, क्यों ना हम सब एक फाइट करते हैं और जो भी इस फाइट को जीतेगा वो जैक और फैंग को अपने साथ ले जा सकता है। सारे एल्डर मैजिकल वेपन से एक दूसरे पे अटैक करने लगते हैं। इधर बाकी सब उस फाइट को देख रहे थे। फैंग कहता है, हम तो इनके मुकाबले बहुत ही वीक है। दूसरी तरफ अभी भी वो एल्डर फाइट कर रहे थे। तभी वो एल्डर तीनों एल्डर को बांध देते हैं और कहते हैं, तुम सब रुको, तो हम सब इनको अपने डिसाइपल बनाना चाहते हैं, इसलिए हम सब अपने एंसेस्टर रूल को फॉलो करेंगे, जिसमें मैं इनके बोन्स और क्वालिफिकेशन को चेक करके उसी अकॉर्डिंग सभी सेक्ट में डिवाइड करूंगा। एल्डर होंग कहती है, ठीक है, वैसे भी यान कंट्री की पैराडाइज हम सबका है। आगे वो एल्डर सभी का बोन और क्वालिफिकेशन चेक करते हैं, पर जैसे वो जैक को चेक करते हैं तो वो थोड़ा नर्वस हो जाते हैं और बताते हैं, इसका बॉडी एक लीजेंडरी बॉडी है और ये काफी रेयर टाइप की बॉडी है। ऐसा सिर्फ हजारों साल में एक बार होता है कि किसी को डिवाइन बॉडी मिली हो। दूसरे एल्डर्स कहते हैं, इसका बॉडी एक लीजेंडरी बॉडी है, इसलिए हम सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए और इसे सही से कल्टिवेशन सिखाना चाहिए। ये सुनकर फैंग काफी खुश होता है और कहता है, मुझे पता था कि तुम कोई नॉर्मल पर्सन नहीं हो, जरूर तुम में कुछ स्पेशल है। एल्डर कहते हैं, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, इसके पास डिवाइन बॉडी है पर साथ ही इसके पास एंशिएंट डिसोलेशन बॉडी है। जैक पूछता है, ये एंशिएंट डिसोलेशन बॉडी क्या है? एल्डर बताते हैं, एंशिएंट डिसोलेशन बॉडी अभी और एंशिएंट टाइम में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी है। इस बॉडी वाले बंदे बहुत ही रियल रियल्म को अचीव कर सकते हैं। एल्डर वेंसन कहते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली एंशिएंट टाइम से ऐसी बॉडीज पूरी तरह से डिसअपीयर हो चुकी है और ये बॉडी सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं बल्कि ये अपने प्रीवियस लाइफ को भी देख सकती है। पर जैसे ही समय के साथ एंशिएंट डिसोलेशन बॉडी डिसअपीयर हुई, इसका ट्रेन करने का मेथड भी डिसअपीयर हो गया और अब इस बॉडी के बारे में कोई भी नहीं जानता है, इसलिए इसे ट्रेन कैसे करना है इसके बारे में कोई भी नहीं जानता है, मतलब कि अब ये बॉडी बकवास है। एल्डर वो फैंग से कहते हैं, क्या तुम मेरे स्प्रिट सेक्ट को ज्वाइन करना चाहते हो? फैंग कहता है, जिस सेक्ट में जैक जाएगा मैं उसी सेक्ट को ज्वाइन करूंगा। एल्डर वो कहते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है, मॉर्टल बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करती है, मतलब कि जैक स्प्रिट सेक्ट में नहीं आ सकता। जैक फैंग से कहता है, तुम एल्डर वो के साथ जाओ, मैं किसी भी सेक्ट में नहीं जा सकता, शायद मेरी किस्मत में ऑर्डिनरी और सिंपल लाइफ ही लिखी है और सिंपल लाइफ बिताना भी काफी अच्छा होता है। फैंग कहता है, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, अगर ऐसी बात है तो हम दोनों ही ऑर्डिनरी और सिंपल लाइफ बिताएंगे। जैक उसे समझाता है, तुम्हें तो कल्टीवेशन करना चाहिए। फैंग कहता है, तुम नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूंगा। वो मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और आखिर में एल्डर वो कहते हैं, जैक तुम भी स्प्रिट सेक्ट को ज्वाइन कर सकते हो पर मैं तुम्हें अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकता, साथ ही मैं तुम दोनों को सेम ट्रेनिंग दूंगा। जैक और फैंग एल्डर वो को थैंक्स कहते हैं। आगे सारे एल्डर्स अपने डिसाइपल को चूज कर लिए थे और सब आखिरी बार सबसे मुलाकात करते हैं और कहते हैं, आई होप हम सब फ्यूचर में दोबारा मिल पाए। आगे वो सभी एल्डर अपने साथ सबको ले जाने लगते हैं। इधर एल्डर वो जैक और फैंग को अपने साथ स्प्रिट सेक्ट ले जा रहे थे। फैंग हवा में उड़कर काफी खुश था। वो जैक से कहता है, एक दिन हम दोनों भी खुद से हवा में उड़ पाएंगे। आगे वो स्प्रिट सेक्ट आ जाते हैं और सच में ये सेक्ट बहुत ही खूबसूरत है, साथ ही वहाँ काफी सारे डिसाइपल्स प्रैक्टिस कर रहे थे। जैसे एल्डर वो जैक और फैंग को लेकर सेक्ट में एंटर करते हैं, तभी एल्डर हान जैक और फैंग को देख लेते हैं और वो एविल स्माइल करता है। एल्डर वो जैक और फैंग को एक घर के पास लाते हैं और कहते हैं, आज से तुम दोनों यहीं पे रहोगे, आज तुम दोनों आराम करो, कल से तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। इतना कहकर एल्डर वो वहाँ से चले जाते हैं। फैंग उन्हें बाइक करता है, साथ ही वो काफी ज्यादा खुश था। वो जैक से कहता है, आज से हम दोनों यहीं पे रहेंगे, चलो अंदर जाकर देखते हैं। जैक और फैंग अंदर जाकर अपने कमरे को देख रहे थे। जैक काफी खुश था क्योंकि इस रूम में सनरूफ भी है। इधर जैक को बास्केट में स्वीट पोटैटो मिलती है, तभी फैंग मार्शल आर्ट का कॉस्ट्यूम लाता है और कहता है, सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हम कल्टीवेशन करने वाले हैं। जैक कहता है, हमें बहुत ही हार्डवर्क करना होगा ताकि हम इस वर्ल्ड के रूल को समझ सके और एक दिन हमें पता चल जाएगा कि हमारे साथ क्या हुआ था और हम अपने घर वापस कैसे जा सकते। अगले दिन एल्डर वो उनको कल्टीवेशन सिखाते हैं और बताते हैं, 3 साल से वो सारे डिसाइपल को कल्टीवेशन सिखा रहे हैं और अगले साल तक तुम दोनों भी इमोर्टल बन जाओगे, तभी तुम एक ट्रू प्रैक्टिशनर बन सकते हो, तो आज से तुम दोनों बहुत ही हार्डवर्क करोगे। आगे वो दोनों को एक मेडिसिन देते हैं और कहते हैं, ये तुम्हारी कल्टीवेशन में बहुत ही हेल्प करेगी और हर महीने सभी डिसाइपल को एक बॉटल मिलता है। जैक पूछता है, एल्डर वो क्या मुझे भी ये बॉटल मिलेगी? एल्डर वो कहते हैं, हाँ, तुम्हारा बॉडी सबसे अलग है पर मैं तुम्हें सारे डिसाइपल जैसे ही ट्रीट करूंगा। अब ये तुम दोनों पे डिपेंड करता है कि तुम दोनों कितना जल्दी सक्सेस अचीव करते हो। फैंग फौरन ही उस मेडिसिन को पीने जाता है, तभी एल्डर उसे रोकते हैं और कहते हैं, ये मेडिसिन सिर्फ इमोर्टल बॉडी पे ही वर्क करती है और अभी तुम्हारा बॉडी मॉर्टल है, तो तुम अभी इसे संभाल कर रखो, फ्यूचर में ये तुम्हारे काम आएगी।
फिलहाल तुम्हें अपने बॉडी पे वर्क करना चाहिए। आगे जैक और फैंग अपने बॉडी पे वर्क कर रहे थे। वो दोनों काफी ज्यादा पुशअप और बॉडी बनाने के बाद दोबारा से एल्डर वो के पास जाते हैं। एल्डर वो उन्हें और भी वर्क करने को कहते हैं। वो दोनों पेड़ में पंचिंग करके प्रैक्टिस करते हैं, साथ ही वो एक दूसरे से फाइट करके भी ट्रेन करते हैं। और इतना ज्यादा हार्ड वर्क और वर्कआउट करने के बाद फाइनली वो दोनों बस एक ही पंच में उस पेड़ को गिरा देते हैं। साथ ही काफी भारी भारी लकड़ियों को उठाकर ब्रिज क्रॉस करते हैं और उनको हर बार स्वीट पोटेटो खाने को मिलता था। और दोबारा से वो दोनों प्रैक्टिस में लग जाते थे और ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहता है। साथ ही उनके वर्कआउट में प्रोग्रेस हो रही थी। अब जैक और फैंग एक दूसरे को बराबर के टक्कर दे रहे थे। ऐसे ही लगातार वो दोनों अपने बॉडी पे वर्कआउट करते हैं और कुछ ही मंथ में जैक और फैंग में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाती है। अब वो दोनों और भी भारी लकड़ियों को लेकर ब्रिज क्रॉस कर पाते हैं। साथ ही उनके अटैक में भी काफी इम्प्रूवमेंट हुई थी। एल्डर वो उनको छुपकर देखा करते हैं। अब 3 महीने बाद वो दोनों हर बार स्वीट पोटेटो खाकर काफी बोर हो गए थे। फैंग कहता है, ऐसा लगता है कि यहाँ स्वीट पोटेटो के अलावा कोई और खाने की चीज नहीं है। हर दिन तो हम स्वीट पोटेटो ही खा रहे हैं, क्या यहाँ कोई मीट नहीं है? फैंग गुस्से से कहता है, मुझे मीट खाना है। जैक कहता है, अगर हम ऐसे ही वेजिटेबल खाते रहे तो हमारे बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाएगी। अगर फ्राइड किया हुआ चिकन होता तो काफी अच्छा होता। फैंग जैक से कहता है, ऐसा करते हैं, हम उन बर्ड को ही रोस्ट करके खाते हैं। और वो दोनों छुपकर तालाब के किनारे चले जाते हैं ताकि वो उन बर्ड को पकड़कर खा सके। तभी अचानक ही जैक उनमें से एक बर्ड को पकड़ लेता है और वो फैंग को दे देता है। फैंग काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि आज वो मीट खाएगा। तभी वो देखता है उनके पीछे एक जॉइंट बर्ड खड़ी है। फैंग बहाना बनाता है कि हम तो ऐसे ही तालाब के पास से गुजर रहे थे, और वो दोनों फौरन ही वहाँ से भागने लगते हैं। साथ ही वो बर्ड भी उनका पीछा कर रही थी। फैंग बड़ी मुश्किल से उससे बचता है, पर वो बर्ड लगातार उन पे अटैक कर रही थी। पर अब जैक और फैंग प्रैक्टिस करने के बाद काफी ऊंचाई से आसानी से कूद पा रहे थे और वो दोनों अलग अलग होकर उस बर्ड को चकमा दे रहे थे। आगे वो दोनों एक पेड़ से उस बर्ड पे अटैक करते हैं, जिससे वो बर्ड काफी दूर चली जाती है और ये दोनों उस थैली को लेकर भागने लगते हैं। पर वो बर्ड अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ती है, तो जैक उसे एक पावरफुल पंच मारता है, जिससे वो बर्ड और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उस पे काउंटर अटैक करती है। लेकिन फैंग उसके पैर को पकड़कर काफी तेजी से घुमाने लगता है और वो उसे काफी दूर फेंक देता है। अब जाकर उनको उस बर्ड से छुटकारा मिलती है। वो दोनों नोटिस करते हैं कि ये बर्ड तो काफी ज्यादा भारी हो रही है और अब तो ये हिल भी नहीं रही है। जैक कहता है, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। वो दोनों फौरन ही पोटली खोलते हैं। तभी एल्डर वो पोटली से बाहर आते हैं। जैक और फैंग उन्हें देखकर हैरान होता है। एल्डर वो कहते हैं, स्प्रिट सेक के सारे बर्ड बस एक स्प्रिट है और तुम दोनों इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? अच्छा हुआ तुम्हें यहाँ कोई लो एल्डर नहीं देखा, वरना तुम्हें पनिशमेंट मिलती। आगे वो बताते हैं कि कल इंटरनेशनल कंपटीशन हो रही है, तो तुम दोनों देखने आ सकते हो। अगले दिन वो दोनों एल्डर वो के साथ अरेना में आ जाते हैं। एल्डर बताते हैं ये सभी प्रैक्टिशनर अभी सी ऑफ बिटरनेस में हैं। पर फैंग बार बार एल्डर से पूछता है, आप हमें उड़ना कब सिखाइएगा? एल्डर बताते हैं, जो भी प्रैक्टिशनर फॉर्मेशन ऑफ लाइफ रियल्म को अचीव कर लेता है वो आसानी से फ्लाई कर सकता है। और तुम दोनों फिलहाल इन प्रैक्टिशनर के फाइट को देखो, मैं जल्दी वापस आता हूँ। इतना कहकर एल्डर सेक्ट लीडर के पास चले जाते हैं और कल्ट लीडर से पूछते हैं, क्या एंशिएंट रून से कुछ मिला? कल्ट लीडर बताते हैं, ऐसा लगता है एंशिएंट लैंड में जरूर किसी स्प्रिट ट्रेजर का जन्म हुआ है। दूसरी तरफ जैक और फैंग उन प्रैक्टिशनर के फाइट को देख रहे थे। तभी फियो नाम का बंदा उस फाइट को जीत जाता है और उसके साथ ही कैंडल और लियुन उसे अप्रिसिएट करने लगते हैं। आगे फियो जानबूझकर स्वॉर्ड से जैक और फैंग पे अटैक करता है और कहता है, मुझे माफ करना, मेरे हाथ से स्लिप हो गया। फैंग तो काफी गुस्से वाला बंदा था। वो कहता है, मेरे हाथ से भी स्लिप होता है, और वो उस पे अटैक करने जाता है। तभी उनमें से एक बंदा उसे पीछे कर देता है। फैंग उस पे कॉलम से अटैक करता है, पर तभी फियो अपने शॉट से अटैक करता है और जैक और फैंग मिलकर भी उस शॉट को रोक नहीं पाते हैं। तभी एल्डर वो वहाँ आकर उस अटैक को ब्लॉक कर देते हैं और कहते हैं, तुम सब एक ही फैमिली से हो तो अब किस बात की फाइट हो रही है? फैंग कहता है, ये बंदा बिना किसी वजह के हम पे अटैक कर रहा है। फियो कहता है, एल्डर वो शायद इनको गलत फहमी हुई है, भला मैं अपने जूनियर पे अटैक कैसे कर सकता हूँ? एल्डर वो उसे डांटते हुए कहते हैं, अगर अगली बार तुम गलती करोगे तो मुझे एल्डर हान से मिलना होगा, क्योंकि फियो एल्डर हान का बेटा है, जो कि जैक और फैंग को देखकर डेविल स्माइल किए थे। आगे एल्डर वो जैक और फैंग को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। इधर लियुन फियो से पूछती है, तुम्हें इन मोर्टल बंदे से क्या प्रॉब्लम है? ये तो हमारे लायक भी नहीं है। फियो कहता है, बाद में तुम्हें पता चल जाएगा। दूसरी तरफ एल्डर वो बताते हैं, फियो एक सीमोन का बेटा है और उसका वेपन एक डिवाइन वेपन है, ऑर्डिनरी पर्सन प्रैक्टिस करने के बाद भी जूनियर प्रैक्टिशनर को डिफीट नहीं कर सकता। फैंग पूछता है, तो हम प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? एल्डर वो एक फॉर्मेशन बनाते हैं और पूछते हैं, बताओ मेरे हाथ में
क्या है? फैंग कहता है हवा, जैक कहता है डस्ट, एल्डर वो कहते हैं ये डस्ट होने के साथ साथ डस्ट नहीं है, ये पूरे एक यूनिवर्स है। मतलब कि एल्डर बताना चाहते थे कि ये यूनिवर्स बिल्कुल किसी डस्ट जैसा है, इसमें अनगिनत इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारी कॉन्शियसनेस है और इनमें हमारी पूरी बॉडी की एसेंस पाई जाती है। ये व्हील ऑफ द लाइफ प्रैक्टिस फाउंडेशन है और जो लोग भी प्रैक्टिस करके हेवन ऑफ अर्थ रूल को ब्रेक करते हैं वो इमोर्टल बन जाते हैं। और आगे मैं तुम्हें थाउजेंड के बारे में सिखाऊंगा, ये स्क्रिप्चर इस वर्ल्ड की सबसे पावरफुल फाउंडेशन मेथड है। तो अब तुम दोनों मेडिसिन निकालो और संभल कर रहना, अगर एक बार में तुम ज्यादा मेडिसिन पियोगे तो तुम्हारा बॉडी इसे अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी। वो दोनों उस मेडिसिन को पी लेते हैं और अब सब अपने व्हील ऑफ लाइफ को महसूस करने लगते हैं। जैक को विजन आता है, वो एक डार्क रूम में बंद था और सारे ब्लॉक्स नीचे गिर रहे थे। एल्डर वो दोनों से पूछते हैं क्या तुमने अपने व्हील ऑफ लाइफ को महसूस किया? फैंग एक्साइटेड होकर कहता है हाँ, मैंने देखा वहाँ एक ब्लैक सी है और उसके नीचे बहुत सारी बर्फ है। मास्टर कहते हैं तो तुमने उसे ब्रेक किया? फैंग कहता है मैंने कोशिश तो की थी पर वो ब्रेक नहीं हुआ। मास्टर कहते हैं ऐसा लगता है कि तुम सही से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें अपनी पूरी एनर्जी गैदर करके इंटरनल लाइफ पे फोकस करना होगा। फैंग कहता है एल्डर क्या आप सीधा सीधा बता सकते हैं कि मुझे क्या करना होगा, ये सब मुझसे नहीं होता। तो एल्डर उस पे एक मैजिक करते हैं। बेचारा फैंग सोच रहा था कि जरूर इस मैजिक से मेरे बॉडी में कुछ असर होगा, इसलिए वो काफी खुश होकर मास्टर और जैक को देख रहा था। पर थोड़ी देर बाद कुछ भी नहीं होता है। फैंग को लगता है कि मास्टर उससे मजे ले रहे हैं, इसलिए वो कहता है मास्टर ये आप क्या कर रहे हैं, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। मास्टर कहते हैं थोड़ा सब्र रखो। तभी वहाँ वो क्रेन आती है जिसे फैंग ने मारकर भगाया था। मास्टर बताते हैं मैंने इस क्रेन को तुमसे कनेक्ट कर दिया है, जब तक तुम मेडिटेट करोगे ये तुम्हारी बात सुनेगी और तुम्हें फॉलो करेगी। फैंग तो काफी खुश होता है क्योंकि अब उसे क्रेन पे राइड करने का मौका मिलेगा। आगे फैंग उस क्रेन को पकड़ने जाता है पर वो क्रेन उसे फेंक देती है। किसी तरह से फैंग उसके ऊपर बैठता है, फिर वो क्रेन उसे घुमाने लगती है पर अचानक ही काफी ऊंचाई से उसे नीचे गिरा देती है क्योंकि वो उस पे जबरदस्ती राइड करना चाहता था। इधर जैक मेडिटेट कर रहा था और वो क्रेन की आवाज को सुनकर समझ जाता है कि फैंग मेडिटेट नहीं कर रहा है बल्कि वो क्रेन के साथ खेल रहा है। जैक कहता है ये बंदा बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, मुझे इसका हेल्प करना होगा। तभी जैक पे कोई डिवाइन शॉट से अटैक करता है। जैक उस शॉट को पकड़कर वापस उस बंदे पे अटैक करता है और अपने मार्शल आर्ट स्किल से उस बंदे को नीचे गिरा देता है। वो बंदा कहता है तुम सबको छुपने की जरूरत नहीं है, ये तो मार्शल आर्ट जानता है। तभी दो बंदे और जैक पे शॉट से अटैक करते हैं, जैक बड़ी ही आसानी से उसे डॉच करता है। तभी वहाँ कैंडल और लियोन बाहर आती है और ये दोनों फियू के चमचे हैं, इसलिए ये यहाँ जैक और फैंग को बुली करने आए हैं। जैक पूछता है तुम दोनों मुझ पे अटैक क्यों कर रहे हो, लियोन कहती है अब ये भी बताने की चीज है और वो उस पे अटैक करती है पर जैक उसके अटैक से बच जाता है। तभी वो दोनों मिलकर जैक पे अटैक करते हैं। जैक लियोन को एक पंच मारता है और उस बंदे को मार्शल आर्ट से मारता है। इधर लियोन मार खाने के बावजूद जैक पे अटैक करती है तो जैक उसे काफी दूर फेंक देता है। जैक कहता है तुम दोनों की स्पीड तो बहुत ही स्लो है, इससे बेहतर तो एक बर्ड की स्पीड होती है। वो बंदा कहता है ऐसा लगता है कि तुम मरना चाहते हो, ये सुनकर जैक उसे किक करता है। तभी वहाँ फियू आता है और कहता है बच्चे शायद तुम मुझे भूल गए। जैक पूछता है मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, फियू कहता है कुछ नहीं, मुझे तो तुम्हें देखकर ही नफरत होती है। और वो उस पे डिवाइन शॉट से अटैक करता है जिस पर फैंग उन सभी शॉट को डॉज कर लेता है। फियू दोबारा से अटैक करता है और जैक इस बार भी उन सारे शॉट को बड़े ही शानदार तरीके से डॉज करता है। वो देखता है फैंग अभी भी क्रेन पे राइड करने की कोशिश कर रहा है। इधर फियू लगातार जैक पे हमला करता है, जैक उनमें से एक शॉट को पकड़कर फियू से फाइट करने लगता है पर फियू उसे काफी जोर से धक्का देता है। अब जैक नीचे गिरने वाला था तभी वो फैंग को आवाज देता है। फैंग देखता है जैक मुसीबत में है तो वो गुस्से से जबरदस्ती क्रेन पे बैठ जाता है और वो उसे मनाने की कोशिश करता है। इधर फियू जैक पे अटैक करता है और कहता है अब तुम्हें कौन बचाएगा, जैक उसे डॉज करते हुए नीचे गिर जाता है। ये देखकर फैंग बहुत ही गुस्सा होता है और इतना ज्यादा गुस्सा होने की वजह से वो अपने इंटरनल लाइफ के बर्फ पे बहुत ही पावरफुल पंच मारता है जिससे उन बर्फ की लेयर पे दरारें आ जाती है। इधर वो जैक को भी बचा लेता है। ये देखकर फियू काफी गुस्सा होता है, फिर फैंग उसे बहुत ही पावरफुल पंच मारता है और जैसे ही फियू ऊपर जाता है फैंग उसे लगातार पंच मारता है, फियू काफी दूर जाकर गिरता है। इधर जैक ये देखकर समझ जाता है कि फैंग इंटरनल लाइफ का ब्रेक थ्रू कर लिया है। फैंग कहता है पहले ये बताओ मेरा पंच कैसा था, जैक क्रेन से कहता है हमें बचाने के लिए थैंक्स और अब तुम यहाँ से चले जाओ, हम इसे हैंडल कर लेंगे। क्रेन वहाँ से चली जाती है। इधर फियू दोबारा से एक फॉर्मेशन बनाकर उन पे अटैक करता है। फैंग तो उसकी डिवाइन शॉट को अपने हाथ से ब्लॉक करता है। तभी फियू फैंग पे हमला करता है, जैक फैंग को पीछे करता है और वो उसे एक पावरफुल किक मारता है, साथ ही वो उसे नीचे पटक देता है। फियू को जैसे मौका मिलता है वो समझ जाता है कि ये दोनों बंदे अब पावरफुल हो चुके हैं, इसलिए वो फौरन ही एल्डर हान की
रखे हुए ट्रेजर का यूज करता है। वो इस ट्रेजर से उनको कैद करके एल्डर हान के पास ले जाना चाहता था। इधर जैक और फैंग दोनों मिलकर उस ट्रेजर को उठाए थे और उन्हें ये ट्रेजर जो कि बेसिकली एक प्रिजन था बहुत ही भारी लग रहा था और अब वो दोनों इसे ज्यादा देर तक हैंडल नहीं कर पाएंगे। वो दोनों उसे ऊपर करके फौरन ही वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं पर तभी फियो उसे एक्टिवेट कर देता है। अंदर जैक और फैंग काफी तेजी से उससे बचकर भाग रहे थे तभी वो प्रिजन उन्हें पूरी तरह से कैद करना चाहता था पर वो दोनों सही टाइम पे बाहर आ जाते हैं। बाहर आते के साथ ही फैंग फियो को जोरदार पंच मारता है साथ ही जैक भी उसे किक मारता है जिससे फियो बहुत ही दूर जाकर गिरता है और अब उसका ट्रेजर भी छोटा हो गया था। वो सभी तीन बंदे ऐसे ही घायल पड़े थे। आगे जैक और फैंग उन सारे बंदे का ट्रेजर लूट लेते हैं। जैक जैसे ही फियो को लूटने जाता है तभी फियो उसका हाथ पकड़ लेता है पर फैंग गुस्से से उसे छुड़ा देता है और बेचारा फियो अब उनको कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो काफी ज्यादा घायल था। फैंग उसके दोनों मेडिसिन को ले लेता है तभी फियो दोबारा से उस ट्रेजर को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है पर फैंग उसकी उंगली को मोड़ देता है तो वो ट्रेजर डीएक्टिवेट हो जाती है। जैक उस ट्रेजर को देखने लगता है। इधर फैंग फियो को तालाब में फेंक देता है और हंसते हुए कहता है कि अब तुम्हें वहाँ फ्रेश हवा मिल रही है। फियो अंदर से ही कहता है तुम दोनों मेरे हाथ से नहीं बचोगे। इधर वो ट्रेजर अपने आप ही जैक के हाथ से चला जाता है। उनको समझ नहीं आता है कि ये अपने आप ही कैसे चला गया। जैक कहता है जरूर इसके पीछे कोई पावरफुल बंदा है और वो इसे कंट्रोल कर रहा है। खैर जो भी हो जो भी हमें बुली करना चाहता है हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आगे वो दोनों उस ट्रेजर को डिस्ट्रीब्यूट करने लगते हैं। जैक कहता है यार हम तो फियो का कुछ भी नहीं बिगाड़े हैं तो फिर वो हमें बुली क्यों करता है। जरूर इन सब के पीछे कोई बड़ा राज है। आगे फैंग एक मेडिसिन को पीकर मेडिटेट करने लगता है और फाइनली वो पूरी तरह से इंटरनल लाइफ का ब्रेक थ्रू कर लेता है साथ ही उसका इंटरनल लाइफ ग्रो भी करने लगा था। फैंग बहुत ही खुश होता है और जैक से कहता है लो तुम भी इसे पियो तुम भी इंटरनल लाइफ का ब्रेक थ्रू कर सकते हो। ये सोचकर वो दोनों बहुत सारे मेडिसिन को पीने लगते हैं और बहुत ही ज्यादा हब्स पीने के बाद फैंग को महसूस होता है कि उसका इंटरनल लाइफ डबल हो चुका है पर उसके पेट में दर्द होने लगती है। जैक पूछता है क्या तुम सही हो। फैंग पूछता है जैक तुम भी तो इतने सारे मेडिसिन पिए तो तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ। शायद ये हब्स मेरे इंटरनल लाइफ पे इफेक्ट कर रही है। ये लो तुम और मेडिसिन पियो शायद इस बार तुम भी ब्रेक थ्रू कर लो। जैक कहता नहीं मेरा बॉडी सबसे अलग है इतने सारे मेडिसिन पीने के बावजूद मेरे इंटरनल लाइफ पे कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ शायद मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता। फैंग उसे मोटिवेट करते हुए कहता है तुम्हें याद है ना हमें फियो से बदला लेना है और जब तक तुम ब्रेक थ्रू नहीं करोगे हम घर नहीं जाएंगे। ये सुनकर जैक दोबारा से मेडिसिन पीकर मेडिटेट करने लगता है। वो अपने इंटरनल लाइफ में देखता है अभी भी वो किसी डार्क रूम में बंद था पर अचानक ही उसमें दरारें आने लगती है और जैक भी ब्रेक थ्रू कर लेता है पर इसका इंटरनल लाइफ सबसे अलग है। फैंग उम्मीद लगाए हुए बैठा था और वो जैक से पूछता है तभी जैक से एक पावरफुल डिवाइन लाइट निकलती है। ये देखकर फैंग काफी हैरान होता है उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि जैक से इतना डिवाइन लाइट कैसे निकल रहा है। उसे लगता है कि ये उसका ड्रीम है। वो अपने आप को चाटा मारकर देखता है तो उसे पता चलता है सच में जैक से डिवाइन लाइट निकल रही है। जैसे ही जैक ब्रेक थ्रू कर लेता है फैंग उसे बताने लगता है कि तुम्हें पता है अभी थोड़ी देर पहले यहाँ सब कुछ हिल रहा था ये पूरा जगह काफी ज्यादा हिल रहा था इवन कि तुमसे एक डिवाइन लाइट निकल कर आसमान की ओर जा रही थी। वो जैक से पूछता है ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया है। जैक बताता है मुझे पता नहीं कि मेरा ब्रेक थ्रू हो चुका है या नहीं क्योंकि अभी मैंने देखा था कि मेरा कॉन्शियसनेस वर्ल्ड काफी छोटा है। फैंग कहता है छोटा है तो क्या हुआ बस तुम्हें कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है और अब मैं ये खुशखबरी एल्डर वू को बताऊंगा कि अब तुम भी मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। तुम्हारे पास एंशिएंट बॉडी है तो क्या हुआ अब तुम भी पावरफुल वॉरियर बन सकते हो। जैक उसे रोकता है और कहता है तुम एल्डर वू को नहीं बताओगे कि मेरा ब्रेक थ्रू हो चुका है क्योंकि अगर ये बात पूरे लिंगजो कैब में फैल गई तो मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ और आगे मैं प्रैक्टिस भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यहाँ सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि मेरा बॉडी एंशिएंट होली बॉडी है और मैं बाकी वॉरियर जैसा प्रैक्टिस नहीं कर सकता और वैसे भी मेरा कॉन्शियसनेस तो काफी छोटा है ये तो किसी काम का नहीं है। फैंग उसे समझाता है कि तुम इतना ज्यादा मत सोचो तुमने तो ब्रेक थ्रू कर लिया है और इतना काफी है। जैक कहता है पर ब्रेक थ्रू करने के लिए मैंने इतने सारे मेडिसिन का यूज किया फिर भी मेरा कॉन्शियसनेस काफी छोटा है। जैक खुद को लेकर काफी ज्यादा होपलेस फील कर रहा था साथ ही फैंग भी ये सब सुनकर डिसअपॉइंट हो जाता है और जैक से कहता है तो तुम सोच रहे हो कि तुम कभी भी प्रैक्टिस करके पावरफुल वॉरियर नहीं बन सकते। जैक कहता है ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे पास ही एंशिएंट बॉडी है मेरे से पहले काफी सारे बंदे के पास ऐसे ही एंशिएंट बॉडी थी तो तुम ही सोचो आखिर क्यों एंशिएंट टाइम से इस बॉडी को वेस्ट कहा जाता है क्योंकि सच में ये बॉडी वेस्ट है और शायद ये सच है कि फ्यूचर में मेरा कंडीशन काफी खराब होगा। फैंग उसे समझाता है और कहता है तुम घबराओ मत तुमसे पहले वाले बंदे जिनके पास एंशिएंट बॉडी थी वो हार मान लिए तो क्या तुम भी हार मान लोगे। सबका लाइफ अलग है और सब अपने तरीके से जीते हैं और हम दोनों इमोर्टैलिटी को हासिल करेंगे।
दूसरी तरफ व्यू एल्डर हान को बताता है कि इस बार भी जैक हमसे बचकर भाग गया, जबकि असल में जैक और फैंग व्यू को अच्छी तरह सबक सिखाए थे। एल्डर हान कहते हैं, मुझे पहले ही पता था उस लड़के को पकड़ना इतना आसान बात नहीं है। तभी व्यू अपना सफाई देने लगता है कि वो जैक को पकड़ लेता, पर हर बार बीच में फैंग आ जाता है और ये बंदा ब्रेक थ्रू कर लिया है, ये हर बार हमसे जैक को बचा लेता है। एल्डर हान कहते हैं, और दूसरे बंदे का नाम क्या है? फियो बताता है, उसका नाम जैक है। ये सुनकर एल्डर हान हंसने लगते हैं। सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं अगले दिन जैक और फैंग दोबारा से अरेना में आते हैं, जहां बाकी डिसाइपल बात कर रहे थे कि ये दोनों बंदे फियो से फाइट किए हैं। सब जैक और फैंग को देखकर काफी हैरान होते हैं और कहते हैं, ये दोनों बंदे हान फैमिली से फाइट किए हैं, ये तो काफी हैरानी की बात है। दरअसल यहां सब हान फैमिली से डरता है और कोई भी फियो से फाइट करने की जरूरत नहीं करता है। तभी फियो दोबारा से अपने सभी चमचे के साथ उनके सामने आ जाता है। फैंग कहता है, तुम सब सामने से हट जाओ, जिस पर लियुन कहती है, फैंग हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, हम तो बस जैक को लेने आए हैं। फैंग कहता है, तो तुम सब फिर से फाइट करना चाहते हो? जैक कहता है, यहाँ तो काफी सारे बंदे हैं, बेहतर होगा कि हम एल्डर वू को रिपोर्ट करें। फैंग कहता है, पहले हम इनसे निपटते हैं, फिर बाद में एल्डर वू को रिपोर्ट करेंगे। और वो फियो से कहता है, तो कल तुम्हें कीचड़ खाने में मजा आया था या नहीं? वो सबके सामने उसकी बेइज्जती कर रहा था क्योंकि कल के फाइट में फैंग उसे तालाब में फेंक दिया था। ये सुनकर फियो को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि वो उसके चमचों के सामने उसकी बेइज्जती कर रहा था। ये सुनकर सब काफी हैरान होते हैं। इधर फियो सबको अटैक करने का ऑर्डर देता है और सब जैक और फैंग पे शॉट से अटैक करने जाते हैं, तो जैक और फैंग भी उन सबसे फाइट करने लगते हैं। और इस बार जैक और फैंग ब्रेक थ्रू करने के साथ साथ लेवल अप भी कर लिए थे, इसलिए वो दोनों बड़े ही आसानी से उनके सभी अटैक को डॉच कर लेते हैं और उनके सभी चमचे को डिफीट कर देते हैं। और फैंग तो काफी गुस्से से सबको जैसे तैसे मार रहा था। अगर आपको ये फाइट सीन देखना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मैं सारी डोंगो के फाइट सीन वहाँ अपलोड करता हूँ। और काफी देर तक उनके बीच शानदार फाइट होती है। जैक और फैंग सबको उठा उठा कर पटक रहे थे, तभी जैक कहता है, इनको मारने से अच्छा फियो पे अटैक करना चाहिए। ये सुनकर फियो डर जाता है और सबको पीछे करके एरो अटैक करने का ऑर्डर देता है। और सब लाइन में खड़े होकर जैक और फैंग पे डिवाइन शॉट से अटैक करते हैं, पर वो दोनों मिलकर उनके सारे अटैक को बड़े ही आसानी से डॉच कर लेते हैं। आगे फैंग एक शॉट को पकड़ लेता है, तभी फियो उसे कहता है, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हें हार्म करना नहीं चाहते हैं। फिर वो सब दोबारा से जैक और फैंग पे अटैक करते हैं और इस बार ये बहुत ही पावरफुल अटैक था। तभी सैक लीडर वहाँ आकर इस अटैक को ब्लॉक कर देते हैं और सबको डांटने लगते हैं। फियो अपने सफाई देने लगता है कि पहले जैक उस पे हमला किया था और मैं तो यहाँ अकेले जैक से बात करने आया था, पर ये फैंग बीच में आकर हमसे फाइट करने लगा। वो झूठ बोलकर दोनों को फंसाने लगता है, जिस पर उसके सारे चमचे फियो का सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि ये सच कह रहा है। तो सैक लीडर कहते हैं, बिना कोई वजह के कोई किसी पे अटैक क्यों करेगा, अटैक करने की जरूर तो कोई वजह होगी, और अब तुम सब माउंटेन एरिया पे जाओगे, वहाँ कुछ काम है। सब सैक लीडर को हाँ कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। साथ ही फियो वहाँ से जाते हुए जैक और फैंग पे बहुत ही गुस्सा होता है क्योंकि इस बार भी वो जैक को नहीं पकड़ पाया था। आगे जैक और फैंग भी वहाँ से चले आते हैं। फैंग कहता है, ये फियो तो बहुत ही बुरा बंदा है, इतना मार खाने के बावजूद भी वो नहीं सुधरता है। जैक बताता है कि हान फैमिली लिंगजू केव की सबसे पुरानी फैमिली है और स्पेशली एल्डर हान यहाँ के सबसे पुराने एल्डर है। वाकई में हान फैमिली बहुत ही पावरफुल है। फैंग कहता है, कोई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, अगर वो हमें बुली करेगा तो हम किसी से भी फाइट कर सकते हैं। तभी पीछे से एल्डर वू आकर फैंग को पीटते हैं। फैंग गुस्से से कहता है, कौन है? एल्डर वू पूछते हैं, तो क्या तुम दोनों अभी भी किसी से फाइट करना चाहते हो? फैंग कहता है, फियो हमें हर बार परेशान करने आ जाता है, अब तो हम फियो से परेशान हो चुके हैं। एल्डर वू कहते हैं, अभी जो कुछ भी हुआ मुझे सब पता है। फैंग कहता है, तो फिर उसे कोई पनिश क्यों नहीं करता है? एल्डर बताते हैं कि उसके अंकल एल्डर हान फार्माकोलॉजी के मास्टर हैं और लिंजू कैब में उनका स्टेटस काफी हाई है और साथ ही हान फैमिली सबसे बड़ी फैमिली है। दूसरी तरह से समझे तो पूरा लिंजू कैब हान फैमिली के कंट्रोल में है और अगर तुम फियो से फाइट करना चाहते हो तो पहले तुम्हें बहुत ही हार्ड प्रैक्टिस करनी होगी ताकि तुम भी पावरफुल बन सको, और अब तुम्हें एब्सोल्यूट पावर प्रैक्टिस करना होगा। ये सुनकर फैंग को कुछ भी समझ नहीं आता है कि ये क्या चीज है और इसे प्रैक्टिस कैसे करना है, इसलिए वो एल्डर वू से पूछता है, क्या आपके पास कोई पिल है जिसे खाकर मैं एब्सोल्यूट पावर का प्रैक्टिस कर सकता हूँ? एल्डर वू कहते हैं, पिल का तुम क्या करोगे? फैंग बताता है कि जैसे गेम में होता है कि अगर मुझे अपना पावर इंक्रीज करना है तो मुझे कोई पिल खाकर लेवल अप करना होगा। एल्डर वू उसे डांटते हुए कहते हैं, ये कोई गेम नहीं है, ये तुम्हारी रियल लाइफ है और यहाँ तुम्हें खुद हार्ड वर्क करके पावरफुल बनना होगा। जैक उसे बचाते हुए कहता है, एल्डर फैंग का मतलब था कि हम प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। एल्डर कहते हैं, फैंग क्या कहना चाहता है मैं पहले ही समझ चुका हूँ, और अगर तुम सोच रहे हो कि तुम मेडिसिन पीकर पावरफुल बन सकते हो तो तुम दोनों बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, वो मेडिसिन काफी प्रेशियस है, बेहतर होगा कि तुम
तुम दोनों उसे ज्यादा ना पियो। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। ये मेडिसिन काफी सारे हर्ब्स को मिलाकर बनाया जाता है और इन हर्ब्स को काफी खतरनाक फॉरेस्ट से लाया जाता है। जैक पूछता है एल्डर क्या आप हमें भी वेपन कंट्रोल करना सिखा सकते हैं। एल्डर कहते हैं और इसे मॉन्क वेपन कहते हैं और तुम इसे किसी भी शेप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो लाइक सॉर्ड डैगर नाइफ और इसे तुम अपने एनिमी को भी किल कर सकते हो। इसे सीखने के लिए तुम्हें कुछ सेक्रीफाइस करके डिवाइन पैटर्न रिफाइन करना होगा तब जाकर तुम वेपन कंट्रोल कर सकते हो। आगे हम देखते हैं एल्डर वो हर्ब्स रिफाइन कर रहे थे तभी फिर फीयू वहाँ आता है और उन मेडिसिन को लेने ही वाला था। तभी एल्डर हान बताते हैं ये सब मेडिसिन काफी प्रीशियस है तो थोड़ा संभल कर वो बताता है सैक लीडर भी जैक और फैंग के सपोर्ट में थे। हमें तो कभी उन्हें पकड़ने का मौका ही नहीं मिलता है हर बार हमारे बीच कोई आ जाता है एल्डर हान कहते हैं। तो फिर जैक को लिंजू कैप से बाहर आने का इंतजार करो फिर देखते हैं उसे हमसे कौन बचाता है। फीयू पूछता है लेकिन वो तो हमेशा लिंजू कैप में ही रहता है भले वो लिंजू कैप से बाहर क्यों आएगा। एल्डर कहते हैं जैक जैसे बंदे ऐसे कैद नहीं रह सकते वो जरूर लिंजू कैप से बाहर आएगा और अब तो ये मेडिसिन भी तैयार होने वाला है। तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम देखते हैं जैक और फैंग दोबारा से अरेना में आते हैं और इस बार भी सारे बंदे जैक और फैंग को देखकर बातें कर रहे थे। फैंग गुस्से से कहता है तुम सब ऐसे क्या देख रहे हो तुम सब वापस जाकर अपने फीयू से कह दो क्या वो अब भी हमसे फाइट करना चाहता है क्योंकि अब मैं किसी से नहीं डरता। जैक नोटिस करता है कि फैंग तो फीयू पे काफी ज्यादा गुस्सा है अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये ज्यादा दिन तक स्प्रिट सेक में नहीं रह पाएगा। आगे वो दोनों अपने रूम की ओर जा रहे थे पर तभी फीयू के चमचे झाड़ी में छुपकर उनका पीछा कर रहे थे। फैंग इनको देख लेता है और जैक से कहता है लगता है झाड़ी में बड़े बड़े चूहे हैं क्या तुम इसे पकड़ना चाहते हो। जैक कहता है नहीं मैं पहले किसी को नहीं छेड़ता अगर वो हमें बुली करेंगे तभी हम कोई एक्शन लेंगे। आगे वो दोनों तालाब के पास बैठकर मेडिटेट करने लगते हैं तभी अचानक ही फैंग के पेट में काफी जोर की दर्द होती है। जैक फौरन ही उसे उठाने लगता है और पूछता है फैंग तुम्हें क्या हुआ है। फैंग को काफी ज्यादा तकलीफ हो रहा था। आगे जैक उसे एल्डर वू के पास ले जाता है। एल्डर वू उसे डांटते हुए कहते हैं मैंने हजार बार तुमसे कहा है तुम दोनों ज्यादा मेडिसिन मत पियो ये तुम्हारे बॉडी के लिए हार्मफुल है साथ ही ये तुम्हारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड को भी अफेक्ट करता है अगर जैक तुम्हें सही टाइम पे यहाँ ट्रीटमेंट के लिए नहीं लाता तो तुम्हारी हालत और भी खराब हो सकती थी। इधर जैक देखता है फैंग तो ऑलमोस्ट सारे मेडिसिन को पी चुका था वो बताता है वो जल्दी पावरफुल बनना चाहता था। एल्डर वो गुस्से से कहते हैं जल्दी पावरफुल बनने से क्या होगा जल्दी पावरफुल बनना ये तुम्हारे किसी काम के लायक नहीं है रियल पावर तो तुम्हें हार्ड वर्क और कल्टिवेशन से ही मिलेगी। इधर जैक एल्डर वो से रिक्वेस्ट करता है एल्डर वो क्या आपके पास इसका कोई सोल्यूशन है हम फैंग को कैसे सही कर सकते हैं। एल्डर वो कहते हैं मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि फैंग सही हो जाए पर अभी के लिए तुम रूम से बाहर जाकर गार्डिंग करो देखो कि कोई हमारे आसपास ना आए ताकि इस ट्रीटमेंट में हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। ये सुनकर फैंग रूम से बाहर चला जाता है साथ ही वो रूम का दरवाजा बंद करता है और आगे जैक नीचे बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। मेडिटेशन करने के थोड़ी देर बाद वो फैंग को देखने जाता है तभी वो फैंग की आवाज़ सुनता है। फैंग एल्डर वू से कह रहा था हान फैमिली बहुत ही पावरफुल है इसलिए मैं फौरन ही पावरफुल बनना चाहता हूँ क्योंकि ये फीयू हमें लगातार बुली करता है और वो जल्दी पावरफुल बनने के लिए काफी सारे मेडिसिन को पी लिया था इसी वजह से उसके पेट में दर्द हो रही थी। एल्डर वू कहते हैं मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ पर हर चीज का एक रूल होता है और तुम्हें उस रूल को फॉलो करना होगा और तुम बिना क्वालिफिकेशन के फ्यूचर में कुछ भी नहीं कर सकते। इधर फैंग ये सब सुनकर काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और वो अकेले ही जंगल की ओर बढ़ने लगता है साथ ही वो फैंग के बात को याद करता है कि हान फैमिली सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और वो हमें लगातार बुली करते हैं। लियोन कहती है फैंग हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है तुम यहाँ से चले जाओ हम तो बस जैक को पकड़ना चाहते हैं। फियो भी कहता है फैंग हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है हम तो बस जैक को पकड़ना चाहते हैं। ये सब सोचकर जैक काफी ज्यादा तंग आ चुका था इसलिए वो कहता है शायद अब समय आ चुका है कि मैं इस सेक्ट को छोड़ दूं क्योंकि यहाँ सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं और बेचारा फैंग झूठ में ही मेरे वजह से मुसीबत में पड़ जाता है। आगे वो काफी देर तक सोचने के बाद रात में लेटर लिखता है पर वो लेटर मिट जाती है। जैक कहता है ये एंशिएंट स्क्रिप्चर तो काफी अजीब है वो दोबारा से लेटर लिखता है पर इस बार भी वो लेटर मिट जाती है। फैंग को समझ नहीं आता है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है तभी उसे याद आता है कि वो उस एंशिएंट स्क्रिप्चर को मैजिकल कॉफिन से लाया था और वो सोचने लगता है कि ये मैजिकल स्क्रिप्चर किसकी होगी जिसने मैजिकल कॉफिन में अपने स्क्रिप्चर को छोड़ दिया और आखिर हम इस वर्ल्ड में क्यों आए जरूर इन सब के पीछे कोई तो वजह होगी और अब मेरे दिमाग में काफी सारे सवाल हैं पर अब मुझे इसका जवाब ढूंढना होगा इसलिए अब और मैं इस सेक्ट में नहीं रुक सकता मुझे अपने सवालों का जवाब चाहिए। फिर वो दोबारा से लेटर लिखता है और इस बार उसका लेटर नहीं मिटता है तभी वो फैंग को देखता है और कहता है ब्रदर फैंग तुम अपना ख्याल रखना और अब ये सेक्ट मेरे लिए सुटेबल प्लेस नहीं है। वो अकेले ही रात में जंगल की ओर बढ़ने लगता है और बताता है मैं ईस्टर्न वेस्टलैंड को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ तुम यहीं रहकर
लगातार हार्ड वर्क और प्रैक्टिस करना, और मुझे पता है एक दिन जरूर तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, तब हम फिर से दोबारा मिलेंगे। इतना कहकर वो लिंजो कैब से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ फियो के चमचे फियो को बताते हैं कि इस बार भी वो फैंग और जैक को मिस कर दिए, और हैरानी की बात है कि जैक अब लिंजो कैब में नहीं है। वो बंदा फियो से कहता है, मैंने उसे पूरा ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। ये सुनकर फियो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। लियोन भी उसे डांटती है कि आखिर तुम इतना केयरलेस कैसे हो सकते हो। वो बंदा कहता है, मैं तो हर वक्त उस पे नजर रख रहा था, पर अचानक ही वो कहीं गायब हो गया। ये सुनकर फियो उस पे अटैक करता है और कहता है, अगर तुम जैक को नहीं ढूंढे तो मैं तुम्हें किल कर दूंगा। वो बंदा डर से कहता है, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। लियोन कहती है, मैं भी इसके साथ जैक को ढूंढने जा रही हूँ। फियो बहुत ही गुस्सा होता है और कहता है, जैक मैं तुम्हें किल करके रहूंगा। इधर जैक एंसेंट वुड फॉरेस्ट पहुंच चुका था, तभी उसे एहसास होता है कि कोई तो उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो फौरन ही चट्टान के पीछे छुप जाता है और वो सोचता है कहीं उसके पीछे हान फैमिली तो नहीं पड़ी है। पर हम देखते हैं फैंग उसका पीछा कर रहा था और वो इधर उधर लगातार जैक को ढूंढ रहा था। तभी वो भागते हुए चट्टान की ओर जाता है, पर जैक को लगता है ये बंदा हान फैमिली से है, इसलिए वो फौरन ही फैंग पे अटैक करता है। फैंग भी उसे डॉज करने के लिए जैक पे अटैक करता है। जैक देखता है ये तो उसका भाई फैंग है, पर फैंग उससे काफी ज्यादा नाराज था क्योंकि वो उसे अकेले छोड़कर जाना चाहता था, इसलिए वो गुस्से से जैक पे अटैक करता है और उसे पीटते हुए कहता है, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो मुझे साथ में क्यों नहीं लिए, तुम मुझे अकेला छोड़ना चाहते हो। और वो गुस्से से उस पे अटैक किया जा रहा था। जैक उसे शांत करवाता है, तभी दोनों को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है और दोनों घबरा कर वहाँ से भागने लगते हैं। जैसे ही वो आगे जाते हैं उनको आगे से भी कुछ आवाजें सुनाई देती है, तभी अचानक ही सामने से उनको गॉडजिला बेस दौड़ाने लगता है, साथ ही उनपे लाइटनिंग स्ट्राइक भी होती है। दरअसल ये लाइटनिंग बर्ड और गॉडजिला बेस में फाइट हो रही थी। जैक कहता है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा वरना हम झूठ में इनके चक्कर में मारे जाएंगे। इधर लाइटनिंग बर्ड और गॉडजिला में काफी भयंकर फाइट होने लगती है। गॉडजिला बेस लाइटनिंग बर्ड पे भारी पड़ रहा था, वो उसे लगातार उठा उठा कर पटक रहा था। गॉडजिला बेस काफी बुरी तरह लाइटनिंग बर्ड को मारने लगता है। इधर जैक और फैंग भाग रहे थे, तभी उनके सामने से बहुत सारे बेस्ट उनके और बढ़ रहे थे। ये देखकर जैक और फैंग को दोबारा से वापस भागना पड़ता है। दरअसल ये सब बेस्ट एक जॉइंट स्पाइडर से बचकर भाग रही थी और इसमें जैक और फैंग भी फंस जाते हैं। किसी तरह से वो दोनों बेस्ट के झुंड से बाहर निकलते हैं और एक चट्टान के पास आकर आराम करने लगते हैं, क्योंकि वो दोनों भागते भागते काफी ज्यादा थक चुके थे। जैक और फैंग को लगता है कि ये सब मॉन्स्टर उस गॉडजिला बेस्ट और लाइटनिंग बर्ड की वजह से भाग रहे हैं। तभी दोबारा से उनको एक अजीब आवाज सुनाई देती है। ये आवाज इतना ज्यादा एनोइंग था कि इसे सुनकर उन दोनों के दिल के धड़कन तेज हो जाते हैं। तभी उनके पीछे एक जाइंट कोबरा अपना आँख खोलता है। ये देखकर जैक और फैंग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। वो दोनों फौरन ही वहाँ से भागने लगते हैं, साथ ही वो जाइंट कोबरा उनका पीछा कर रहा था और इस स्नेक बेस का स्पीड बहुत ही फास्ट है। वो लगातार जैक और फैंग पे अटैक करते हुए उनका पीछा करता है। फैंग तो उसके मुंह से बचकर निकल जाता है और दोनों उसे चकमा देकर दूसरी डायरेक्शन में भागते हैं। आगे वो दोनों एक चट्टान के पीछे छुप जाते हैं और वो स्नेक बेस्ट बिल्कुल ही उसके पीछे खड़ी थी। चट्टान की वजह से वो दोनों बच गए थे, पर वो बेस्ट धीरे धीरे चट्टान की ओर बढ़ता है और अगर जरा सा वो नीचे देखता तो वो जैक और फैंग पे अटैक कर लेता, पर अभी भी वो जैक और फैंग को नहीं देखा था। उसके मुंह से काफी जहरीली वेनम गिरती है और ये वेनम इतना खतरनाक है कि वो गिरते ही एक छोटे से प्लांट को डिस्ट्रॉय कर दी। अब ये वेनम धीरे धीरे जैक और फैंग के करीब बढ़ रहा था। अब बेचारे जैक और फैंग दोनों फंस चुके थे, क्योंकि अगर वो जरा सा भी आहट करते तो वो स्नेक बेस्ट उनको नहीं छोड़ती। दूसरी तरफ वो जहरीली वेनम काफी तेजी से उनके करीब बढ़ रहा था, साथ ही वो स्नेक बेस्ट भी अपना सर घुमाने ही वाला था। अब जैक और फैंग काफी बुरी तरह फंस चुके हैं। अब आगे तो ये पार्ट स्टार्ट होती है और हम देखते हैं जैड स्नेक बेस्ट जैक और फैंग को देखने ही वाला था, तभी जोर जोर से ड्रम बीट की आवाज आने लगती है, जिससे वो स्नेक बेस्ट डर के वहाँ से भाग जाता है। ये ड्रम बीट की आवाज शुरुआत से ही जैक और फैंग को सुनाई दे रही थी। अब ये कहाँ से आ रही है ये हमें आगे पता चलेगा। इधर दोनों को रिलीफ मिलता है कि वो दोनों स्नेक बेस्ट से बच चुके हैं। दूसरी तरफ वो स्नेक बेस्ट अपने रियोन में आकर आराम करने लगती है, साथ ही जैक और फैंग उसे छुपकर देख रहे थे। तभी उन्हें एक स्प्रिट मंगोलिया फ्लावर दिखती है। जैक बताता है कि ये एक स्पिरिचुअल प्लांट है जो कि जैद हॉर्न स्नेक के पास ग्रो होती है और ये स्नेक इस स्पिरिचुअल फ्लावर की रक्षा करते हैं, और जब ये हॉर्न स्नेक सन एंड मून की एसेंस को स्वेलो करते हैं तब ये स्पिरिचुअल प्लांट हॉर्न स्नेक बीस्ट की एसेंस को एब्जॉर्ब करती है, और हजार सालों बाद जब ये प्लांट काफी ज्यादा अमाउंट में सन एंड मून की एसेंस को एब्जॉर्ब कर लेती है तब इस प्लांट का शेप एक ओल्ड स्नेक जैसा हो जाता है और इसमें काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। तभी फैंग कहता है, मुझे भी याद है जो बेल्डर वो ने कहा था कि एक मंगोलिया फ्लावर 100 मेडिसिन से भी ज्यादा पावरफुल होता है, और ये दोनों स्प्रिट फ्लावर को हासिल करना चाहते थे, इसलिए वो ड्रम बीट का वेट करते
हैं, क्योंकि यह स्नैक बीस्ट भी ड्रम बीट से घबराई हुई थी। और थोड़ी देर बाद दोबारा से ड्रम बीट की आवाज आने लगती है। इस साउंड से जैक और फैंग को भी काफी ज्यादा तकलीफ होता है और वो स्नैक बीस्ट इस साउंड से बचने के लिए वहाँ से चली जाती है। अब जैक और फैंग को सही मौका मिल गया था, वो दोनों फौरन ही स्प्रिट प्लांट को लेने जाते हैं, पर तभी वो स्नैक बीस्ट पीछे से आ जाती है। जैक और फैंग तो स्प्रिट प्लांट में ही लगे थे, उन्हें पता भी नहीं था कि उनके पीछे स्नैक बीस्ट है। जैसे वो स्नैक बीस्ट जोर से चीखती है, जैक फौरन ही उस प्लांट को तोड़ लेता है और दोनों रियोन के अंदर जाने लगते हैं, और वो स्नैक बीस्ट उनका पीछा कर रही थी। फैंग कहता है, हम तो मौत के मुंह में एंटर कर रहे हैं, यहाँ तो इस बीस्ट का पूरा खानदान होगा। और वो डर से आगे बढ़ने लगते हैं और वो स्नैक बीस्ट लगातार उन पे अटैक करने की कोशिश कर रहा था, पर किसी तरह से जैक और फैंग दोनों ही हर बार बच जाते थे। तभी दोबारा से ड्रम बीट की आवाज आने लगती है और इधर स्नैक बीस्ट गुस्से से वेनम स्प्रेड करता है, और इन वेनम में फैंग सही से चल भी नहीं पा रहा था। जैक उसे वो स्प्रेड फ्लावर देता है और कहता है, तुम इसे सूंघो, इस स्प्रेड फ्लावर से तुम्हें एनर्जी मिलेगी। फैंग ऐसा ही करता है और उसे अब काफी ज्यादा एनर्जी महसूस हो रहा था, इवन कि उसका इंटरनल लाइफ भी ग्रो कर रहा था। फैंग जैक से कहता है, जैक तुम काफी ज्यादा वीक हो चुके हो, इवन कि तुम सही से अपने इंटरनल लाइफ का ब्रेक थ्रू भी नहीं किए हो, इसलिए तुम इस स्प्रिट फ्लावर को खा लो। फैंग उस स्प्रिट फ्लावर को खा लेता है और अब दोनों में काफी ज्यादा एनर्जी आ गई थी, इसलिए वो काफी तेजी से इस रियोन से बाहर निकलना चाहते थे। पर तभी वो स्नैक बीस्ट उस लकड़ी को ही तोड़ देती है, जिससे जैक और फैंग नीचे गिरने लगते हैं, और वो नीचे देखते हैं यहाँ तो काफी सारे स्नैक बीस्ट हैं। इधर वो स्नैक बीस्ट जैक पे हमला करने वाली थी, तभी फैंग आकर उसे बचा लेता है, लेकिन वो बीस्ट इतने आसानी से उनका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। वो लगातार जैक और फैंग पे अटैक करती है। तभी जैक येलिंग फायर का यूज करता है और वो उन लकड़ियों पे आग लगा देता है, जिससे वो बेस दूसरी साइड नहीं आ पा रही थी। अब जैक के पास येलिंग फायर की पावर कहां से आई, यह हमें आगे पता चलेगा। जैक और फैंग लगातार आगे भाग रहे थे, पर तभी वो बेस्ट उन पे चट्टानों से अटैक करती है और वो दोनों उस चट्टान के नीचे दब जाते हैं। ये देखकर उस बेस्ट को लगता है कि अब वो दोनों मर चुके हैं और वो वहां से जाने लगती है। आगे हम देखते हैं जैक के कॉन्शियसनेस वर्ल्ड में उसका पिल डबल हो जाता है और 2 से 4, 4 से 8 ऐसे ही उसका पिल डबल होते ही रहता है, जिससे जैक अब बहुत ही पावरफुल हो गया था। वो बड़े ही आसानी से उन चट्टानों को डिस्ट्रॉय कर देता है। आई थिंक ये सब जरूर स्प्रिट प्लांट की वजह से ही हो रही है। ये देखकर फैंग काफी खुश होता है कि जैक भी अब ब्रेक थ्रू कर लिया है। जैक कहता है, पहले यहाँ से बाहर निकलो, फिर बाद में बताते हैं। आगे वो दोनों उस रियोन से बाहर आ जाते हैं। जैक कहता है, सच में मंगोलिया फ्लावर काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्प्रिट प्लांट है। अब तो मेरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है, साथ ही वो काफी ग्रो भी हो गया था और अब वो काफी पावरफुल महसूस कर रहा था। ये सुनकर फैंग कहता है, तो हमें और इलिक्सर ढूंढना चाहिए। ये सुनकर जैक फैंग से कहता है, नहीं, अब तुम्हें लिंजु कैब वापस जाना चाहिए। फैंग काफी गुस्सा होता है और कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। जैक कहता है, यहाँ काफी खतरा है और मैं चाहता हूँ कि तुम लिंजु कैब में रहकर पावरफुल वॉरियर बनो, हम फ्यूचर में दोबारा जरूर मिलेंगे। जैक उसे काफी ज्यादा समझाता है कि लिंजु कैब उसके लिए सुटेबल प्लेस नहीं है और दोनों का पाथ काफी अलग है, बेहतर होगा कि तुम लिंजु कैब चले जाओ। पर अब फैंग काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो कहता है, तुमने तो कहा था कि हम दोनों साथ में घर जाएंगे और अब तुम ऐसी बात कर रहे हो। तभी वहाँ स्नैक बीस्ट आकर उनका पीछा करने लगती है। दूसरी तरफ फियो भी अपने चमचों के साथ जैक और फैंग को ढूंढते हुए एंशिएंट वुड फॉरेस्ट आ गया था और उसे एंशिएंट रियोन के बारे में पता था, इसलिए वो एंशिएंट रियोन की ओर जाने लगता है। वो बताता है कि यहाँ काफी खतरनाक मॉन्स्टर रहते हैं और अगर उसके अंकल एल्डर हान अपने मैजिक से फियो को प्रोटेक्ट नहीं करते तो फियो अकेले कभी भी इस फॉरेस्ट में नहीं आता। तभी जैक और फैंग भागते हुए फियो की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन फियो तो एक फॉर्मेशन बनाकर जैक और फैंग पे अटैक करने ही वाला था, पर फैंग उसे हाई फाइव करके वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर फियो को थोड़ा अजीब लगता है, पर अब वो जैक को कैद करने ही वाला था। तभी जैक उसके हाथ को मोड़ देता है और बताता है कि उसके पीछे एक जायंट मॉन्स्टर पड़ी हुई है। जैक दौड़ते हुए इतना ज्यादा थक गया था कि उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। फियो को कुछ भी समझ नहीं आता है, वो तो जैक और फैंग पे अटैक करने में ही लगा था। तभी हॉर्न स्नैक आकर उन्हें भी दौड़ाने लगती है और वो हॉर्न स्नैक उनमें से एक बंदे को खा जाता है, और जैसे ही वो फियो को खाने जाता है वो फौरन ही एक शील्ड बनाकर अपने अंकल से हेल्प मांगने लगता है। तभी एल्डर हान हॉर्न स्नैक पे एक अटैक करते हैं, जिससे वो फियो को छोड़ देता है और वो स्नैक घायल होकर नीचे गिर जाता है। और अब क्योंकि एल्डर हान यहाँ आ चुके हैं तो फियो जैक और फैंग से कहता है, अब तुम दोनों भी नहीं बचोगे। इधर वो स्नैक बीस्ट दोबारा से एल्डर हान पे अटैक करने उठता है, पर एल्डर हान उसे अपने मैजिक से कैद कर लेते हैं और कहते हैं, पहले इस हॉर्न बीस्ट से निपटते हैं, फिर तुम दोनों को बताएंगे। इधर वो स्नैक बीस्ट लगातार अटैक करके बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, पर वो इस मैजिक
फिजिकल प्रिजन से बाहर नहीं निकल पा रहा था, इसलिए वो अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर को अपने हॉर्न में गैदर करके उस प्रिजन पे अटैक करता है। दूसरी तरफ जैक और फैंग को भागने का मौका मिल गया था, इसलिए वो काफी तेजी से भाग रहे थे, पर एलरहान उन्हें भागते हुए देख लेते हैं और वो उनपे कुछ मैजिक करते हैं और कहते हैं तुम दोनों जितना भाग सकते हो भागो, लेकिन तुम दोनों कभी भी मुझसे नहीं बच सकते। इधर वो हॉर्न स्नैक पे अटैक करके उसे किल कर देते हैं। ये देखकर फियो और लियोन काफी खुश होते हैं, पर जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं कि जैक और फैंग वहाँ नहीं है तो वो कहते हैं ये दोनों फिर से यहाँ से बचकर भाग गए। तभी अचानक से ड्रम बीट की आवाज आने लगती है और ये ड्रम बीट की आवाज एक माउंटेन से आ रही थी और उस माउंटेन से वोल्केनो निकल रहा था। एलरहान फियो और लियोन से कहते हैं इस जंगल में काफी ज्यादा खतरा है, बेहतर होगा तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। इतना कहकर एलरहान उस माउंटेन की ओर जाने लगते हैं। इधर फियो डिसाइड करता है कि वो जैक और फैंग को पकड़ कर रहेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैक और फैंग एलरहान से बचते हुए किसी सुनसान से जगह पे आ गए थे। फैंग काफी खुश था कि वो दोनों एलरहान से बच गए, पर उन्हें अभी तक पता नहीं चला था कि वो ड्रम बीट की आवाज कहाँ से आ रही थी। तभी अचानक ही उस पेड़ से एक कॉफिन गिरता है। फैंग गुस्से से कहता है कौन है वहाँ, हिम्मत है तो बाहर आओ। तभी पीछे से एक स्केलेटन उस पे अटैक करने जाता है, पर जैक उसे एक ही किक में काफी दूर फेंक देता है और हैरानी की बात थी कि ये स्केलेटन है। फैंग अपने चारों ओर देखता है तो सभी पेड़ में एक एक कॉफिन थे और सभी कॉफिन से स्केलेटन बाहर आकर जैक और फैंग पे अटैक करते हैं। शुरुआत में तो जैक और फैंग उन स्केलेटन से काफी शानदार फाइट करते हैं, पर उन स्केलेटन को कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर एक स्केलेटन जैक पे स्प्रिट एनर्जी से अटैक करता है और ये स्प्रिट बॉल जैक के कॉन्शियसनेस में जाकर मर्ज होने लगती है, जिससे अब जैक को कोई और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ फैंग अभी भी उन स्केलेटन से फाइट कर रहा था। इधर जैक जो कि एक एंशिएंट स्क्रिप्चर का जीनियस है, वो एक मैजिकल स्पेल को यूज करके उस स्प्रिट एनर्जी को बाहर कर देता है और वो स्प्रिट बॉल जैक के बॉडी से बाहर आ जाती है। इधर फैंग पे भी वो स्केलेटन स्प्रिट एनर्जी से अटैक करता है। ये देखकर जैक फैंग को बचाने जाता है, पर अब तक वो स्प्रिट पील फैंग के बॉडी पे कंट्रोल ले चुकी थी। जैक गुस्से से फैंग को धक्का देता है और कहता है तुम जो कोई भी हो फैंग के बॉडी को छोड़ दो। आगे फैंग फ्लाई करते हुए जाने लगता है। तभी उसे फियो और लियोन दिखते हैं। फियो इस बार भी फैंग को कैद करना चाहता था, पर फैंग एक ही अटैक में दोनों को नीचे गिरा देता है। ये देखकर फियो काफी ज्यादा हैरान था कि आखिर फैंग इतना ज्यादा स्ट्रांग कैसे हो सकता है। तभी पीछे से जैक फैंग को पकड़ने आ रहा था। फियो जैक पे भी अटैक करने की कोशिश करता है, पर जैक एक ही पंच में उसे नीचे गिरा देता है। बेचारे फियो की तो आज किस्मत ही खराब थी, कोई भी उसे पीट कर चला जा रहा है। वो गुस्से से कहता है मैं तुम दोनों को अच्छी सबक सिखाऊंगा। आगे हम देखते हैं फैंग उस माउंटेन की ओर जा रहा था। ये पूरा माउंटेन ही वोल्केनो से भरी थी, साथ ही ड्रम बीट की आवाज भी यहीं से आ रही थी। तभी एल्डर वो अपने मैजिक से फैंग को रोकने की कोशिश करते हैं। फैंग को कोई और कंट्रोल कर रहा था, इसलिए वो रेड नेट से बाहर निकलकर माउंटेन पे जाने की कोशिश कर रहा था, पर एल्डर वो फैंग को सही कर देते हैं। तभी किन्यू अपने पूरे आर्मी के साथ वहाँ आती है और दूसरी तरफ एल्डर वो और सेक्ट मास्टर थे। एल्डर वो कहते हैं शायद तुम हमसे दुश्मनी करना चाहती हो, तभी तो तुम मेरे डिसाइपल को कंट्रोल कर रही थी। किन्यू कहती है शुरुआत तो तुमने ही की है, तुम सबने हमारे इमोर्टल ट्रेजर को चोरी करने की कोशिश की है। मास्टर ली बताते हैं कि डेजर्ट डीमन रेस के लास्ट एम्परर अपने सुप्रीम पावर से हमारे ट्रेजर को ले गए थे और अभी भी हमारा टॉय स्क्रिप्चर तुम्हारे पास है। ये सुनकर एलरहान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि उनका ट्रेजर डीमन रेस के पास है। दूसरी तरफ वो डीमन कहता है तुम अपने जुबान पे कंट्रोल करो वरना मैं तुम्हें किल कर दूंगा। इतने में पूरे डीमन रेस और ह्यूमन रेस में फाइट होने लगती है। सेक्ट मास्टर किन्यू से फाइट कर रहे थे और बाकी दो डेमन्स को एल्डर वू और एलरहान हैंडल कर रहे थे। इनके बीच काफी शानदार फाइट होती है, इवन के इस फाइट में सारे डिसाइपल भी इन्वॉल्व। तभी वो डीमन जैक और फैंग पे अटैक करता है, पर सही टाइम पे एल्डर वू आकर उनको बचा लेते हैं। फिर वो जैक को एक पिल देते हैं और कहते हैं तुम दोनों फौरन ही यहाँ से चले जाओ, ये डीमन और हमारे बीच की फाइट है, तुम इनको हैंडल नहीं कर पाओगे। दूसरी तरफ किन्यू उस डीमन से कहती है तुम इन्हें बचकर भागने मत देना। आगे जैक और फैंग काफी तेजी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर वो डीमन ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होकर जैक और फैंग को पकड़ लेता है। फिर वो डीमन उन पे अटैक करने ही वाला था, तभी जैक एल्डर वू के पिल का यूज करता है जिससे वो डीमन रेड नेट में फंस जाता है और मौका मिलते ही जैक और फैंग वहाँ से भागने लगते हैं, पर वो डीमन बड़े ही आसानी से उस नेट को ब्रेक कर देता है और फिर से ड्रम बीट की आवाज आने लगती है और मजबूरन जैक और फैंग को वहीं पे रुकना पड़ता है। इवन के इस ड्रम बीट से उस डीमन को भी काफी तकलीफ हो रहा था। जैक बताता है कि ये डीमन एम्परर का टॉम्ब है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सारे डिसाइपल एल्डर सेक्ट मास्टर अभी भी उस डीमन से फाइट कर रहे थे और अचानक ही उस माउंटेन से डीमन एम्परर का एंशिएंट पैलेस बाहर आता है। ये देखकर किन्यू काफी ज्यादा खुश होती है और अपने सारे डिसाइपल के साथ उस पैलेस का गार्डिंग करने लगती है। इधर सेक्ट मास्टर कहते हैं हमें अपने ट्रेजर को वापस लेने का ये सही मौका है और सारे लोग उस पैलेस की ओर जाने लगते हैं, पर एल्डर वो जैक और फैंग को लेकर परेशान थे इसलिए वो जैक और फैंग की ओर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ डीमन एम्परर फिर से फैंग के बॉडी को कंट्रोल कर चुका था। जैक अपनी पूरी कोशिश करके उसे होश में लाने की कोशिश करता है, पर वो डीमन भी वहाँ आ जाता है। अब
जैक और उस डीमन में फाइट होने लगती है। वो डीमन जैक को काफी बुरी तरह पीटता है, पर जैक ऐसे हार नहीं मानता है। वो लगातार उसका सामना करता है। फिर डीमन इम्परर काफी गुस्से से उसे पीटते हैं और कहते हैं, तुम मुझे काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हो। ये देखकर जैक भी हैरान होता है। फिर डीमन इम्परर अपने पैलेस की ओर जाने लगता है। इधर एल्डर वो जैक के साथ उसका पीछा करते हैं। दूसरी तरफ किन्यू उस पैलेस के डोर को ओपन करने की कोशिश करती है, पर वो डोर उससे ओपन नहीं होता है। ये देखकर एल्डर हान हंसने लगते हैं और कहते हैं, लगता है तुम्हारा डीमन इम्परर तुम्हें पसंद नहीं करता है। फिर एल्डर हान और मास्टर ली दोनों मिलकर डोर ओपन करने की कोशिश करते हैं, पर उनसे भी ये डोर ओपन नहीं होता है। अब किन्यू उन पे हंसने लगती है और कहती है, ये डीमन इम्परर का पैलेस है, इसे इंसान तो किसी भी हाल में ओपन नहीं कर सकता। और वो उनपे अटैक करती है, जिससे स्प्रिट सोल के सारे डिसाइपल नीचे गिर जाते हैं। पर एल्डर हान एक ही अटैक में उसके फॉर्मेशन को ब्रेक कर देते हैं और दोबारा से उनके बीच फाइट होने लगती है। तभी फैंग की एंट्री होती है और असल में ये अभी डीमन इम्परर के कंट्रोल में है। पूरे डीमन क्लैन के लोग डीमन इम्परर का वेलकम करते हैं। मास्टर ली कहते हैं, फैंग को डीमन इम्परर कंट्रोल कर रहा है, हमें इसे रोकना होगा। इसी के साथ सारे लोग डीमन आर्मी पे अटैक करते हैं, पर ये डीमन काफी ज्यादा पावरफुल थे। तभी वहाँ एल्डर वो जैक के साथ आते हैं। जैक फौरन ही फैंग के पास जाता है और वो उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था, पर डीमन इम्परर को काफी गुस्सा आता है, तो जैक उस पे मैजिकल स्पेल पढ़ने लगता है, जिससे डीमन इम्परर को तकलीफ हो रहा था। तभी किन्यू जैक को किल करने की कोशिश करती है, लेकिन जैक फिर भी मैजिकल स्पेल पढ़ रहा था। दूसरी तरफ फैंग उस डोर को ओपन कर देता है और सारे लोग ट्रेजर लेने के लिए पैलेस की ओर जाने लगते हैं, लेकिन एक डिवाइन लाइट से सब पीछे हो जाते हैं। तभी फैंग जैक पे अटैक करता है। सबको लग रहा था कि डीमन इम्परर जैक पे अटैक कर रहे हैं, पर असल में फैंग जैक की मदद कर रहा था। वो टॉर्च स्क्रिप्चर जैक को दे देता है। जैक समझ जाता है कि फैंग डीमन इम्परर के कंट्रोल में है। डीमन इम्परर के कंट्रोल में होने के बावजूद वो डीमन इम्परर से फाइट कर रहा है। आगे इस फाइट के बाद जी फैमिली के एल्डर युआन यहाँ आते हैं और कहते हैं, तो आखिर इस जगह पर डीमन इम्परर को दफनाया गया था और उसके मरने के बाद अब तक यहाँ का सील काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सुनकर वो डीमन भड़क जाता है और कहता है, तुम डीमन क्लैन से नहीं हो तो तुम्हारा इस जगह पे कोई हक नहीं है। ये सुनकर एल्डर युआन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बस एक ही अटैक में उस डीमन को किल कर देते हैं। किन्यू कहती है, जी फैमिली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बेहतर होगा कि तुम इनसे ना उलझो। फिर एल्डर जी अपने पर्पल आई से उस पैलेस में देखते हैं और पूछते हैं, टॉयस स्क्रिप्चर गायब है, ये स्क्रिप्ट किसके पास है? मास्टर ली कहते हैं, एल्डर युआन हम में से अब तक कोई भी अंदर नहीं गया है। फिर वहाँ काफी बड़ी बड़ी फैमिली आती है, क्योंकि अब सबको पता चल गया था कि डीमन इम्परर का पैलेस बाहर आ चुका है और सब ट्रेजर हासिल करने के लिए यहाँ आ रहे थे। इसमें सबसे पावरफुल जी फैमिली से एल्डर जी और जियांग फैमिली से एल्डर जियांग थे। एल्डर जियांग बताते हैं कि बेरर टावर, ग्रीन कोपर और इमोर्टल बेल, ये सब काफी पावरफुल ट्रेजर है। जो भी इसे हासिल करेगा वो आसानी से एंशिएंट स्टार जोन को क्रॉस कर सकता है। और वो ट्रेजर लेने के लिए टॉम पे अटैक करते हैं, पर यहाँ डीमन इम्परर का सील बना हुआ था और इसे ह्यूमन रेस ब्रेक नहीं कर सकते। इसलिए एल्डर जी और एल्डर जियांग डिसाइड करते हैं कि वो दोनों टीम अप करके ट्रेजर हासिल करेंगे। फिर वो दोनों एनर्जी गैदर करके एक साथ अटैक करते हैं, जिससे डीमन इम्परर की हार्ट बाहर आती है। साथ ही फैंग भी बाहर आता है। वो दोनों समझ जाती हैं कि इसे डीमन इम्परर ने पोजेस किया है। जैक फैंग को बचाने जाता है, पर एल्डर वो उसे मना करते हैं और कहते हैं, इतने बड़े लेवल के कल्टीवेटर के सामने हम बस चीटी जैसा है, हम अभी कुछ भी नहीं कर सकते। इधर वो दोनों एल्डर डीमन हार्ट को लेने की कोशिश करते हैं, पर डीमन इम्परर उस पे अटैक करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उस हार्ट को लेकर डिमोनिक वर्ल्ड में चले जाते हैं। साथ ही उसके साथ पूरे डीमन क्लैन की आर्मी भी डिमोनिक वर्ल्ड में चले जाते हैं। दूसरी तरफ वो दोनों एल्डर और भी ट्रेजर हासिल करने के लिए एक फॉर्मेशन बनाकर अटैक करते हैं। इधर जैक फैंग का पीछा करता है, पर वो देखते ही अचानक ही सारे डीमन यहाँ से गायब हो जाते हैं। इस रिचुअल से जगह पे उस डीमन इम्परर की हार्ट बीट सुनाई दे रही थी, पर कोई भी डीमन उसे दिख नहीं रहा था। वो समझ जाता है कि जो कुछ भी यहाँ दिख रहा है सारी चीजें फेक है। फिर वो मेडिटेट और मैजिकल स्पेल की मदद से अपने कॉन्सियसनेस से ही डिमोनिक डायमेंशन में चला जाता है और इस वर्ल्ड में सारी चीजें काफी ज्यादा खूबसूरत है। जैक आगे बढ़ता है तो उसे एक लड़की मिलती है। वो कहती है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो वहीं रुक जाओ, ये डीमन क्लैन की प्रिंसेस यान रुयू है। जैक कहता है, मुझे बस दो सवाल का जवाब चाहिए, क्या यहाँ फैंग आया है और तुम सब फैंग को छोड़ने के बदले क्या चाहती हो? यान रुयू कहती है, हाँ फैंग यहाँ आया है। तभी वहाँ किन्यू और डीमन आर्मी आती है। प्रिंसेस यान कहती है, इस बंदे के पास काफी यूनिक बॉडी है, जरा तुम इसके स्किल को चेक करना। किन्यू जैक पे अटैक करने लगती है। जैक हर बार उसके अटैक को डॉज कर रहा था, पर किन्यू जैक पे भारी पड़ जाती है। वो उसे शॉर्ट से किल करने ही वाली थी। तभी फैंग इस डायमेंशन में आता है और वो उसे बचा लेता है। वो बहुत ही गुस्से से कहता है, तुम सब इसे छोड़ दो, सबको डीमन इम्परर की बात माननी पड़ती है। जैक फैंग को अपने साथ ले जाना चाहता था, पर फैंग वहाँ से चला जाता है। आगे किन्यू उसे अपने वर्ल्ड में भेज देती है। इधर अभी भी वो दोनों एल्डर अटैक कर रहे थे और इस बार उस टॉम से स्प्रिट ट्रेजर बाहर आते हैं और सारे लोग उस ट्रेजर को लूटने लगते हैं। दूसरी तरफ फैंग को भी एक डिमोनिक स्वॉर्ड मिलती है। तभी वहाँ दुआन नाम का बंदा फुटबॉल
जैसा आता है और सच में ये किसी फुटबॉल से कम नहीं है। वो जैक को बताता है कि ये मर्डर स्वॉर्ड है, तुम इसे हैंडल नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। वो जैक से स्वॉर्ड लेकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद फिर से जैक को एक पिल और रिंग ट्रेजर मिलती है और इस बार भी वो बंदा जैक को बेवकूफ बनाकर उसे सारा ट्रेजर ले लेता है। दूसरी तरफ वो दोनों एल्डर अटैक करके टॉम से काफी वैल्यूएबल ट्रेजर निकाल रहे थे, साथ ही कुछ ट्रेजर जैक के पास आ रही थी। वो दोनों एल्डर उस ट्रेजर को लेने जाते हैं जो कि असल में ट्रेजर गैदरिंग पोर्ट थी। तभी अचानक ही वहाँ प्रिंसेस यान आती है और कहती है, थैंक्स, तुम दोनों के वजह से डीमन एम्परर की वैल्यूएबल ट्रेजर निकल पाई है और हम डीमन क्लैन के लिए ये काफी वैल्यूएबल ट्रेजर है। फिर वो दोनों एल्डर उस पर अटैक करते हैं पर प्रिंसेस यान एक मैजिकल पैटर्न बनाकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जैक और वो बंदा बचे हुए ट्रेजर को ढूंढ रहा था, तभी जैक को एक ट्रेजर मिलती है और उसे पता था कि ये मोटू इस ट्रेजर को भी उसे छीन लेगा और ऐसा ही होता है। वो बंदा उसे वो ट्रेजर छीन लेता है पर वो देखता है ये तो बस एक सिंपल सा कॉपर है जो कि उसके किसी भी काम का चीज नहीं है और ये किसी भी काम का ट्रेजर नहीं है। इसलिए वो बंदा जैक पे गुस्सा होता है और वो उसे वहीं फेंक कर चला जाता है। जैक उस कॉपर को गौर से देखने लगता है पर अचानक ही वो ट्रेजर जैक के बॉडी के अंदर कॉन्शियसनेस सी में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो बंदा वापस से जैक के पास आता है और उससे वो कॉपर ट्रेजर मांगने लगता है क्योंकि अब वो जान चुका था कि वो कॉपर ट्रेजर बहुत ही वैल्यूएबल ट्रेजर है, असल में वो ग्रीन कॉपर ट्रेजर था। जैक बताता है कि तुमने तो उस ट्रेजर को लेक में फेंक दिया था। वो बंदा फौरन ही ग्रीन कॉपर को लेने के लिए लेक में चला जाता है। इधर जैक सोचता है अगर ये सच में ग्रीन कॉपर है तो वो इसे फैंग को वापस ला सकता है। दुआन फिर से जैक के पास आता है और बताता है कि उसे वो ट्रेजर नहीं मिला, साथ ही वो बताता है कि डीमन एम्परर अपने लिए दो ग्रेव्स बनाए थे और उसका ओरिजिनल बॉडी इस लेक के नीचे है और क्योंकि उसे ग्रीन कॉपर ट्रेजर नहीं मिला था तो वो काफी गुस्से से उस लेक में एक पत्थर फेंक देता है जिससे उस लेक में हलचल होने लगती है और एक ब्लैक गोल्ड एप बाहर आता है। जैक और दुआन उस एप से बचकर भाग रहे थे। फिर जैक उस डिमोनिक सॉर्ड से एप को किल कर देता है। आगे उस लेक से काफी सारे स्कल घोस्ट बाहर आते हैं। दुआन कहता है इतने साल बीत गए पर ये अभी भी ग्रेव की गार्डिंग कर रहे हैं। दुआन तो इन्हें अपने नए ट्रेजर से डिफीट कर देता है पर तभी उसे एक वुडन ट्रेजर मिलती है। लेकिन जी फैमिली का एक बंदा कहता है अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो ये ट्रेजर मुझे दे दो। दुआन को काफी गुस्सा आता है, तुम जी फैमिली वाले बंदे खुद को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हो, लगता है तुम्हें सबक सिखाना होगा, और वो उसे धक्का देकर लेक में फेंक देता है। फिर सारे स्कल घोस्ट उसे सेक्रीफाइस कर देते हैं और क्योंकि अब स्टॉर्म पे एक सेक्रीफाइस हो चुकी है तो इसे पूरा लेक ही रेड हो जाता है और डिवाइन लाइट निकलने लगती है। ये देखकर जैक और वो बंदा भागने लगते हैं और इस डिवाइन लाइट को देखकर वो दोनों एल्डर भी यहाँ आ जाते हैं। अब उनको समझ आता है कि ये वेल्केना माउंटेन यांग टॉम्ब है और ये लेक यिन टॉम्ब है। फिर वो जैक और दुआन से पूछते हैं अभी किसने कहा था कि जी फैमिली वाले बंदे खुद को काफी स्ट्रॉन्ग समझते हैं और वो हमें सबक सिखाना चाहता था और मेरे डिसाइपल को किसने लेक में फेंका। दुआन जैक को फंसाने लगता है पर जैक सच सच एल्डर को बता देता है कि ये सब कुछ दुआन ने ही किया है, इसी वजह से ये टॉम्ब एक्टिवेट हुआ है। वो दोनों एल्डर दुआन को लेकर लेक में चले जाते हैं। अगले दिन जैक तालाब से पानी पीकर किंग फैन सिटी जाता है और वो काफी दिनों से भूखा था इसलिए वो खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट जाता है। वो एक ऑलमेंट अंकल जियांग से कहता है कि उसे काफी जोर की भूख लगी है पर उसके पास कुछ भी मनी नहीं है। ये सुनकर उसकी ग्रैंड डॉटर टिंग टिंग बहुत ही गुस्सा होती है और कहती है एक और भिखारी फ्री में खाना खाने आ गया। ये सुनकर अंकल जियांग उसे डांटने लगते हैं और कहते हैं मेहमानों के साथ ऐसे बात नहीं करते हैं, और जैक ये सुनकर काफी ज्यादा उदास था इसलिए वो यहाँ से जाने लगता है पर अंकल जियांग उसे रोकते हैं और उसे खाना खिलाते हैं। टिंग टिंग नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अंकल जियांग जैक से कहते हैं तुम इसे अपने घर जैसा ही समझो। ये सुनकर जैक को अपने घर की याद आने लगती है और वो काफी इमोशनल हो जाता है। खाना खाने के बाद जैक उसे एक जदे बोतल देता है पर अंकल जियांग उसे लेने से मना कर देते हैं क्योंकि ये जदे बोतल काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। जैक उसे बताता है कि वो कुछ दिन के लिए यही रहना चाहता है और उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, बस ये जदे बोतल है। आगे वो एक रूम में आकर कल्टीवेशन करने लगता है पर वो सही से ग्रीन कॉपर और एंशिएंट स्क्रिप्चर को रिफाइन नहीं कर पा रहा था। फिर वो एक बोधी क्रिस्टल का यूज करके अपने कॉन्शियसनेस में ग्रीन कॉपर और एंशिएंट स्क्रिप्चर का ब्रेक थ्रू कर लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अंकल जियांग को कुछ बदमाश लोग बुली कर रहे थे। दरअसल वो सब खाना खाने के बाद पैसे देने से मना कर रहे थे क्योंकि ये लोग ली फैमिली के सर्वेंट है। तभी वहाँ टिंग टिंग उन बदमाश को भगाने लगती है पर ये लोग टिंग टिंग को मारकर नीचे गिरा देते हैं। फिर जैक वहाँ आकर अंकल और टिंग टिंग को बचाता है। अंकल जैक को मना करते हैं कि तुम इनसे मत उलझो। वो बंदा कहता है मैं तुम्हें बस एक उंगली से नॉकआउट कर सकता हूँ, पर असल में वो लोग जान चुके थे कि जैक बहुत ही पावरफुल है इसलिए वो कहता है मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा, और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर अंकल जियांग जैक को बताते हैं कि इस टाउन में ली और वैंग फैमिली के लोग बहुत ही पावरफुल है क्योंकि उनके एंसेस्टर पैराडाइज से ट्रेनिंग किए थे, इसलिए कोई भी ली और ये बंदे ली फैमिली के सर्वेंट थे। ली फैमिली के यंग मास्टर और अंकल जियांग का बेटा साथ में हेजी लाइट पैराडाइज में ट्रेनिंग करता था। जैक को याद आता है कि इस सेक्ट में उसके कुछ दोस्त भी हैं। अंकल बताते हैं कि ली फैमिली के यंग मास्टर बहुत ही बुरे थे, वो भी दूसरे
मास्टर को बुली कहते हैं। पर एक दिन उसका बेटा यंग मास्टर को सबक सिखाने जाता है और दोनों में फाइट होने लगती है, पर वो लोग उसके बेटे को काफी बुरी तरह मार देते हैं। ये सुनकर जैक भी इमोशनल हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ली फैमिली के यंग मास्टर जो की सी ऑफ बिटरनेस के व्हील ऑफ व्हील लेवल पे है। जैक उन सबको सबक सिखाना चाहता था और अगले दिन वो उस बंदे को परेशान करने लगता है। वो कहता है अब अंकल जियांग को कोई भी परेशान नहीं करेगा। जैक उस बंदे को काफी ज्यादा परेशान करता है। जैक उस बंदे को काफी ज्यादा पीटता है क्योंकि अब जैक का ब्रेक थ्रू हो चुका है, इसलिए वो और भी पावरफुल हो चुका है। सीन शिफ्ट होती है। अगले दिन जैक रेस्टोरेंट में अंकल के साथ काम भी कर रहा था, तभी टिंग टिंग वहाँ आती है और बताती है ग्रैंडपा हमारे लिए एक अच्छी न्यूज है। कल रात ली फैमिली के सर्वेंट वैंग फैमिली में कुछ ढूंढने गए थे पर किसी ने उस सर्वेंट को काफी बुरी तरह पीटा है। तभी जैक कहता है हाँ किसी ने उसे कुत्ते जैसा पीटा है। ये सुनकर अंकल हैरान होते हैं और कहते हैं जैक क्या ये तुमने किया है। तभी वहाँ ली फैमिली के यंग मास्टर आते हैं और वो अंकल जियांग से कहते हैं क्या तुम ठीक हो, और अंकल जियांग से कहते हैं ये रेस्टोरेंट तो काफी ज्यादा पुराना हो गया है। फिर वो बंदा उन कस्टमर को भी भगा देता है। बेचारे वो कस्टमर बिना खाए ही वहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि उनको पता था ये यंग मास्टर है, अगर वो इनसे बगावत करेंगे तो वो उसे मार भी सकते हैं, इसलिए वो दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर टिंग टिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है आखिर तुम इन लोगों को यहाँ से क्यों भगा रहे हो, तुम काफी बुरे इंसान हो, तुम यहाँ से चले जाओ। अंकल जियांग उसे रोकने लगते हैं। यंग मास्टर कहता है टिंग टिंग तो काफी बड़ी हो गई है और ये बिल्कुल अपने मॉम जैसा दिखती है। अंकल जियांग कहते हैं अगर तुम टिंग टिंग के मॉम की बात कर रहे हो तो मुझे बताओ इसके मॉम और डैड कहाँ है, वो वापस कब आएंगे। ये सुनकर यंग मास्टर हंसने लगता है और कहता है तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि इसके मॉम डैड अभी भी जिंदा है और तुम लोग इतने सालों से उसका इंतजार कर रहे हो, मेरी बात मानो उसके वापस आने का इंतजार मत करो क्योंकि वो दोनों मेरे सामने ही तड़प कर मर चुके हैं। टिंग टिंग कहती है तुम अपनी बकवास बंद करो, मेरे पेरेंट्स अभी जिंदा हैं। अंकल जियांग बताते यांजिया केप के कुछ लोग बता रहे थे कि इसके मॉम डैड फेस बट से इंजर्ड हुए थे और वो एक खाई से नीचे गिर गए थे, तो आखिर तुमने उसे मरते हुए कैसे देख लिया। यंग मास्टर कहता है अंकल जियांग अब आप काफी बूढ़े हो चुके हैं और मुझे इन सब के बारे में सोचकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी है, मैं तो ये कह रहा था कि टिंग टिंग काफी टैलेंटेड लड़की है तो क्यों ना मैं इसे अपने साथ यांजिया केप प्रैक्टिस करने के लिए ले जाऊं। टिंग टिंग कहती है तुम काफी बुरे इंसान हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। अंकल जियांग गुस्से से कहते हैं जब तक मैं जिंदा हूँ टिंग टिंग को मेरे से कोई भी अलग नहीं कर सकता। ये सुनकर यंग मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनपे एक अटैक करता है, पर बीच में जैक आकर उनको बचा लेता है और यंग मास्टर से कहता है पब्लिक प्लेस में किसी को बुली करना काफी बुरी बात है। यंग मास्टर पूछते हैं आखिर तुम कौन हो। अंकल जियांग उसे बचाते हुए कहते हैं ये कोई नहीं बस ये एक मेरा कस्टमर है और इसका इस मैटर में कोई भी कनेक्शन नहीं है। यंग मास्टर जैक पे बस नॉर्मली कंधे पे हाथ रखते हैं और अपने स्पिरिट एनर्जी से जैक को घायल कर देते हैं। ये देखकर टिंग टिंग और अंकल जियांग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और जैक से पूछते हैं तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम ठीक हो। यंग मास्टर कहता है ये तो काफी कमजोर बंदा है और वो वहाँ से जाते हुए कहता है अंकल जियांग तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है वरना अगले दिन मैं खुद टिंग टिंग को लेने आऊंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर जैक टिंग टिंग से कहता है घबराओ मत मैं ठीक हूँ, और वो मन में ही सोचने लगता है ये यंग मास्टर कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है और ऐसे मैं इससे बदला भी नहीं ले सकता। फिर वो अंकल जियांग से पूछता है यहाँ आस पास कोई गुफा है। अंकल जियांग बताते हैं हाँ पास में ये गुफा है और वहाँ बहुत कम लोग ही जाते हैं। सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं जैक उस गुफा में जाकर कल्टीवेशन कर रहा था। जैक कहता है उसे जल्द से जल्द व्हील रोल की प्रैक्टिस करना होगा, तब जाकर वो अपने मैजिक टूल को रिफाइन कर सकता है और अपने एनिमी को डिफीट कर सकता है। और वो पूरे एक दिन तक बोधे क्रिस्टल से कल्टीवेशन करता है जिससे उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी चेंजेस आते हैं। उसके स्पिरिट वर्ल्ड में 19 डिवाइन पैटर्न बनती है जिससे अब वो एक नए वेपन को रिफाइन कर सकता था और वो रिफाइन करके अलग अलग वेपन बनाने लगता है। और एक गोल्डन सीड जैक के स्पिरिचुअल वर्ल्ड से रिफाइन होकर बाहर आती है और वो अनस्टेबल होने की वजह से इधर उधर जाने लगती है। जैक फौरन ही उसे कंट्रोल करने जाता है। वो देखता है वो सीड तो एक पेड़ में जाकर फंस चुकी है। जैसे ही वो सीड को बाहर निकालता है वो देखता है काफी सारे पेड़ कट कर नीचे गिरने लगते हैं। जैक समझ जाता है कि वो इस गोल्डन सीड को एक वेपन जैसे यूज कर सकता है। फिर वो कहता है अब बदला लेने का टाइम आ चुका है। सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं यंग मास्टर अपने चमचों के साथ कहीं जा रहे थे, तभी जैक उन पे अटैक करता है और कहता है तुम तो काफी जल्दी यहाँ से जा रहे हो। यंग मास्टर कहता है तो तुम फिर से हमारे बीच आ गए, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है। जैक पूछता है क्या तुमने टिंग टिंग के मॉम डैड को किल किया है। यंग मास्टर कहता है हाँ तो तुम्हें इससे क्या है। जैक कहता है किसी की जान लेना काफी बेरहमी चीज है और मैं इसका बदला लेना चाहता हूँ। ये सुनकर यंग मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जैक पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर जैक उसे नीचे गिरा देता है। फिर यंग मास्टर उस पे एरो से अटैक करता है तो जैक अपने गोल्डन सीट से उसे डॉज करके उस पे अटैक करता है जिससे यंग मास्टर काफी दूर चले जाते हैं।
हैं और वो काफी हैरान होकर जैक से पूछते हैं आखिर ये कौन सा वेपन है। जैक बताता है ये बस एक बुक है। फिर यंग मास्टर अपने फुल पावर से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर जैक का गोल्डन सीट उस एरो को काफी दूर फेंक देता है। दूसरी तरफ जैक भी यंग मास्टर को नीचे गिरा देता है। यंग मास्टर काफी बुरी तरह घायल हो गया था, इवन की वो उठने की हालत में भी नहीं था। जैक उस पर पैर रखकर पूछता है आखिर तुमने टिंग टिंग के पेरेंट्स को किल क्यों किया। यंग मास्टर कहता है वो तो तुम्हारा कोई भी नहीं लगता है, तो फिर तुम इस मैटर में दखल क्यों दे रहे हो। जैक कहता है सच सच बताओ वरना मैं तुम्हें यहीं कुचलकर मार दूंगा। वो बंदा बताता है कि वो और टिंग टिंग के डैड दोनों साथ में प्रैक्टिस करते थे और टिंग टिंग के डैड हर बार यंग मास्टर को डिफीट कर देते थे, जिससे उनके अल्डर टिंग टिंग के डैड से काफी ज्यादा खुश थे। जैक कहता है तो तुमने जेलस में आकर उसे किल कर दिया। यंग मास्टर बताता है कि मैंने उसे किल नहीं किया, मैं तो बस उसे पनिश करना चाहता था और मैंने बस उस पे एक स्प्रिट बेस्ट का पाउडर डाल दिया। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि जब वो हॉब्स कलेक्ट करने जाएगा तो लाइटनिंग बर्ड उसे किल कर देगी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जैक मन में ही सोचने लगता है ये जेलस हर वर्ल्ड में है, चाहे वो मॉन्क वर्ल्ड हो, चाहे वो डीमन वर्ल्ड हो या फिर ह्यूमन वर्ल्ड हो, सब एक दूसरे से जेलस करते हैं। यंग मास्टर कहता है मैंने तुम्हें सारी चीजें बता दी है, अब तुम मुझे छोड़ दो। वैसे भी हम दोनों प्रैक्टिशनर हैं, तुम आज मुझे छोड़ दो, मैं फ्यूचर में तुम्हारा एक एहसान चुका दूंगा। जैक कहता है ये सब तुम्हें उस टाइम सोचना चाहिए था जब तुम टिंग टिंग के डैड का मर्डर किए थे। क्या तुमने एक बार भी सोचा आखिर अंकल जियांग अकेले कैसे सर्वाइव करेंगे और टिंग टिंग कैसे सर्वाइव करेगी। तभी यंग मास्टर अपने मैजिक से एक और एरो से जैक पे अटैक करता है। जैक उसे आसानी से डॉच कर लेता है, पर फिर वो यंग मास्टर सामने से जैक पे अटैक करता है। जैक बस सामने से हटकर उसे पीछे फेंक देता है, जिससे वो यंग मास्टर अपने ही एरो से मर जाता है। जैक कहता है तुमने अपने वेपन से खुद को ही मार डाला, अब तुम मुझे ब्लेम मत करना। फिर वो यंग मास्टर की जेब से एक बॉक्स निकालता है, उस बॉक्स में एक गोल्डन क्रिस्टल थी। जैक कहता है ये एक सोर्स है और इसका स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा है, मुझे इसे भी रिफाइन करना होगा। अगर मैं इसे रिफाइन कर लेता हूँ तो मैं फाउंटेन ऑफ लाइफ को अचीव कर सकता हूँ। और वह इस ट्रेजर को अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रख लेता है। अगले दिन वो जंगल से अंकल जियांग के पास जा रहा था, तभी कुछ लोग ड्रैगन से उसके पास आते हैं और जैक से पूछते हैं क्या यहाँ कोई जियांग फैमिली है। जैक बताता है नहीं, यहाँ पे कोई भी जियांग फैमिली से नहीं है। फिर वो सब यहाँ से चले जाते हैं। जैक कहता है मुझे अंकल जियांग और टिंग टिंग को यहाँ से बाहर ले जाना होगा क्योंकि इस जगह पे काफी ज्यादा खतरा है। आगे वो अंकल जियांग के पास जाता है। टिंग टिंग जैक को देखकर काफी खुश होती है और कहती है आखिर तुम मुझे छोड़कर नहीं गए। जैक कहता है मैं तुम दोनों को अपने साथ ले जाने आया हूँ। अंकल जियांग पूछते हैं आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, पर जैक टिंग टिंग के सामने कुछ भी नहीं बताता है। अंकल जियांग टिंग टिंग से कहते हैं तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाकर खेलो। टिंग टिंग कहती है सब मुझे बच्चे समझते हैं और वो बाहर चली जाती है। इधर जैक अंकल जियांग को बताता है कि टिंग टिंग के पेरेंट्स को फिर्स बर्ड ने किल किया है। ये सुनकर अंकल जियांग इमोशनल हो जाते हैं। फिर जैक बताता है इन सब के पीछे यंग मास्टर का हाथ था, जिससे अंकल जियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे। फिर जैक उसे संभालता है और कहता है मैं इसका बदला पहले ही ले चुका हूँ। अंकल जियांग पूछते हैं कैसे। जैक बताता है फिलहाल बेहतर होगा कि हम इस बारे में बात ना करें, हमें यहाँ से निकलना होगा। अंकल जियांग कहते हैं मैं 70 साल से यहीं पे हूँ। तभी टिंग टिंग काफी खुश होकर अपने ग्रैंडपा को बाहर बुलाती है और दिखाती है कि कुछ लोग स्पीड बेस पे बैठकर फ्लाई करते हुए उनके और आ रहे थे। ये सब वही लोग हैं जो जैक से जियांग फैमिली के बारे में पूछे थे। टिंग टिंग इन बीस्ट को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम देखते हैं वो सभी बंदे ड्रैगन से इस विलेज की ओर आ रहे थे और सारे लोग उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। टिंग टिंग भी इन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश थी। वो खुशी से अपने ग्रैंडफादर को बाहर बुलाने लगती है और कहती है देखिए ये सब आसानी से हवा में फ्लाई कर सकते हैं। तभी वो लड़की नीचे आती है और उस रेस्टोरेंट को गौर से देखने लगती है और पूछती है क्या ये जियांग हाउस है। अंकल जियांग कहते हैं हाँ। फिर वो उस लड़की से पूछते हैं क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है। इतने में वो बंदा जैक को देख लेता है और कहता है तुमने मुझसे झूठ कहा, क्योंकि पहले ये सब बंदे जैक से पूछे थे कि तुम किसी जियांग फैमिली को जानते हो, तो जैक साफ साफ मना कर दिया था, पर वो भी अंकल जियांग के साथ है। ये चैन जैक पे हमला करने जा रहा था, पर तभी वो लड़की उसे रोक लेती है। फिर वो अंकल जियांग से पूछती है क्या आपके फादर का नाम जियांग जी है। अंकल जियांग कहते हैं हाँ, पर ये सब तुम्हें कैसे पता। वो लड़की बताती है कि उसके ग्रैंडफादर जियांग जी येनरिजर में बस गए थे और अब वो यहाँ अपने ग्रैंडफादर को ढूंढते हुए आई है, और आप हमारे ग्रैंडफादर जी के बेटे हैं, इसका मतलब आप हमारे अंकल हुए। सारे लोग अंकल जियांग को रिस्पेक्ट देते हैं। फिर वो लड़की कहती है कि आप अपने फादर एलर जी को बाहर बुला सकते हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर अंकल जियांग इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं उसके फादर को मरे हुए 50 साल हो गए। ये सुनकर वो लड़की भी डिसअपॉइंट होती है और कहती है हम काफी लेट हो गए। फिर वो जैक के बारे में पूछती है आखिर ये कौन है। जैक बताता है कि वो जियांग फैमिली से नहीं है, वो बस अंकल जियांग के साथ रहता है। तभी
पेंटिंग उस लड़की से कहती है, आप काफी ज्यादा क्यूट हो और क्या आप मेरे ग्रैंडफादर को जानते हो। वो लड़की कहती है, हाँ हम एक ही फैमिली से हैं। उस टाइम तुम्हारे ग्रैंडफादर गुस्से से घर छोड़कर यहाँ सेटल हो गए थे और अब सारे मैटर सॉल्व हो चुके हैं, इसलिए अब हम तुम्हें लेने आए हैं। तभी अंकल जियांग कहते हैं, हम यहाँ काफी लंबे समय से रह रहे हैं और अब हमारा कंडीशन भी सही है। वो लड़की कहती है, अंकल आप अपने बारे में तो सोच रहे हैं पर जरा टिंग टिंग के बारे में सोचिए। टिंग टिंग कहती है, अगर हम आपके साथ जाएंगे तो क्या वह हमें कोई बुली नहीं करेगा। तभी यी चेन कहता है, हाँ बिल्कुल हमें कोई भी बुली नहीं करेगा, भले हमें कोई बुली कैसे कर सकता है। जियांग फैमिली तो सबसे डोमिनेंट फैमिली है और सबसे पावरफुल फैमिली है, हम पे कोई भी अटैक करने की हिम्मत नहीं करता है। ये सुनकर टिंग टिंग काफी ज्यादा खुश होती है और अपने ग्रैंडफादर से रिक्वेस्ट करने लगती है कि हमें इनके साथ जाना चाहिए। जैक भी अंकल जियांग से कहता है, हाँ आप इनके साथ चले जाएं। फिर टिंग टिंग जैक से कहती है, ब्रदर आप भी हमारे साथ चलो। वो लड़की कहती है, अगर तुम हमारे साथ आना चाहते हो तो तुम आ सकते हो। जैक बताता है कि वो अपने फ्रेंड से प्रॉमिस कर चुका है कि वो दोनों साथ में घर जाएंगे और वो बीच में ही अपने प्रॉमिस को तोड़ नहीं सकता। वो लड़की कहती है, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। और वो अंकल जियांग से कहती है, तो फिर चलिए हम सब चलते हैं। अंकल जियांग कहते हैं, जाने से पहले मैं अपना कुछ सामान लेना चाहता हूँ। फिर वो अंदर कुछ सामान पैक करने लगते हैं। इधर टिंग टिंग अभी भी काफी ज्यादा नाराज थी क्योंकि जैक उसके साथ नहीं जा रहा था। फिर जैक टिंग टिंग से कहता है, तुम जियांग फैमिली जाकर अपने ग्रैंडफादर को प्रोटेक्ट करना, तुम बड़े होकर काफी अच्छा वॉरियर बनना। फिर टिंग टिंग जैक से पूछती है, क्या सच में जियांग फैमिली इतना पावरफुल है और वो तो आसानी से ग्रैंडफादर को प्रोटेक्ट करेंगे। जैक बताता है कि हमें पूरी तरह किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमें खुद स्ट्रांग बनना चाहिए क्योंकि इंसान कभी भी धोखा दे सकते हैं। आगे वो दोनों उन लोगों के साथ जियांग फैमिली जाने लगते हैं। अंकल जियांग जैक से कहते हैं, तुम अपना ख्याल रखना, हम दोबारा मिलेंगे। टिंग टिंग कहती है, ब्रदर अपना ख्याल रखना। और वो लड़की जैक से कहती है, तुम्हारे पास काफी वैल्यूएबल ट्रेजर्स हैं, बेहतर होगा कि तुम अपना ख्याल रखो। इधर वो बंदा और यी चैन कुछ इशारा करते हैं और फाइनली जियांग फैमिली वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं जैक किसी से बचकर भाग रहा था। तभी हम देखते हैं जियांग फैन जैक का पीछा कर रहा था और ये बंदा सी ऑफ बिटरनेस रियल्म के डिवाइन ब्रिज पे है। इधर जैक कहता है, ये बंदा तो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तभी वो बंदा कहता है, तो तुम मुझसे बचकर भागना चाहते हो, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें ढूंढने के लिए पूरे जंगल को जला सकता हूँ। फिर वो एक एरो अटैक से जैक पे हमला करता है पर जैक उससे बचकर भागने लगता है। फिर वो बंदा लगातार जैक पे हमला कर रहा था और जैक उससे बचकर भाग रहा था। फिर वो बंदा एक फॉर्मेशन बनाकर जैक पे लगातार हमला करता है। जैक उसके हर अटैक को डॉज करते हुए बच रहा था और कहता है, ये बंदा तो एटलीस्ट डिवाइन ब्रिज रियल में है, मैं इसे किसी भी हाल में फाइट नहीं कर सकता। फिर जैक उससे बचते हुए एक तालाब में चला जाता है और वो तालाब के अंदर ही अपने सांस को रोकते हुए उस बंदे को देख रहा था। वो बंदा कहता है, ये लड़का तो काफी स्मार्ट है, मेरे इतने अटैक करने के बावजूद ये लड़का मुझसे बचकर निकल गया, पर कोई बात नहीं मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा। तभी अचानक ही तालाब में हलचल होने लगती है। जियांग फेंग को शक होता है और वो एक फॉर्मेशन बनाकर लगातार तालाब पे अटैक करता है और ये अटैक जैक को भी लग जाती है जिससे जैक घायल हो जाता है, पर फिर भी वो अपने सांस को रोके हुए था। तभी अचानक ही पीछे से एक बर्ड काफी अजीब आवाज निकलते हुए आ रही थी। जियांग फेन समझ जाता है कि वहाँ कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो उसी डायरेक्शन में जाने लगता है। इधर जैक उस बर्ड को देखकर समझ जाता है कि ये जगह एंशिएंट फॉरबिडन लैंड से काफी नजदीक है क्योंकि जैक उस बर्ड को एंशिएंट फॉरबिडन लैंड में देखा था। फिर जैक तालाब से बाहर निकलता है और वो काफी बुरी तरह घायल हो गया था। वो अपने गाँव को पानी से धोता है और कल्टिवेशन करने बैठ जाता है। उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, इवन की उसे चक्कर जैसा लग रहा था। तभी उसके अंदर बोधि क्रिस्टल ग्लो करने लगती है और हमें पता चलता है जो लोग हेवनली फाद को फॉलो करते हैं वो ऐसे डैमेज को आसानी से रिकवर कर सकते हैं। फिर एंशिएंट एक्स मैजिक से उसका घाव फौरन ही रिकवर हो जाता है। जैक ये जानकर हैरान था कि एंशिएंट स्क्रिप्चर उसके घाव को भी हील कर सकता है और अब वो डिसाइड करता है कि वो एंशिएंट फॉरबिडन लैंड जाएगा, शायद उसे वहाँ कुछ क्लू मिल जाए। तभी उस पे कोई अननोन बंदा अटैक करता है। जैक देखता है ये दोनों बंदे तो सी ऑफ बिटरनेस रियल्म के प्रैक्टिशनर हैं, अगर इनमें से एक बंदा होता तो मैं आसानी से फाइट कर सकता था, पर इन दोनों से फाइट करना थोड़ा मुश्किल है। वो दोनों बंदे कहते हैं, लड़की तुम्हारे पास जो भी ट्रेजर है तो मुझे दे दो। जैक उनसे कहता है कि वो तो बस एक ऑर्डिनरी सा पर्सन है तो भला मेरे पास ट्रेजर कहाँ से आएगी। वो बंदा कहता है, बहाना बनाना बंद करो क्योंकि यंग मास्टर स्पिरिट बेस्ड ट्रेजर को फील कर सकते हैं। अगर वो ट्रेजर तुम्हारे सी ऑफ बिटरनेस में भी रहा तब भी हम उसे फील कर सकते हैं, और अगर तुम उसे देना नहीं चाहते हो तो मजबूरन हमें तुम्हें मारना होगा, और मरने के बाद तुम्हारे सी ऑफ बिटरनेस में जितने भी ट्रेजर है वो
बाहर आ जाएंगे। जैक कहता है अब मेरी बारी है। फिर वो उन बंदे को एक सोर्स दिखाता है और कहता है तुम लोग इस बारे में ही बात कर रहे हो है ना। जैक उसे नीचे रख देता है। तभी उनमें से एक बंदा उस सोर्स को लेने आता है और जैसे वो बंदा उस सोर्स को लेने वाला था तभी जैक गोल्डन सीट से उस पर अटैक करता है जिससे वो बंदा काफी दूर जाकर गिरता है। दूसरा बंदा कहता है तो तुम हमारे साथ धोखा कर रहे हो और वो एरो से जैक पे अटैक करता है। वो एरो जैक के बॉडी के आर पार हो जाती है। अब जैक एक पेड़ से फंस चुका था। फिर वो बंदा सोर्स को लेने जाता है तभी जैक फिर से गोल्डन सीट से उसे किल कर देता है। फिर जैक उस एरो को अपने बॉडी से बाहर निकालता है और अब वो काफी बुरी तरह घायल हो गया था इवन कि उसका दूसरा हाथ तो उठ भी नहीं रहा था। फिर वो किसी तरह वहीं पे कल्टीवेशन करने लगता है और इस बार भी एंशिएंट स्क्रिप्चर से कुछ पल में ही उसका ये गांव भी सही हो जाता है। अगले दिन वो दोबारा से एंशिएंट फॉरबिडन लैंड जाने लगता है। तभी वो ऊपर देखता है वो सारे बंदे तो लगातार उसके पीछे ही पड़े हुए हैं। वो सच में उसे किल करना चाहते हैं क्योंकि उनको पता चल चुका है कि जैक के पास काफी वैल्यूएबल ट्रेजर है। जैक तो हर बार उनसे बचकर भागने की कोशिश कर रहा है पर ये बंदे किसी भी हाल में इसका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तभी जैक सोचता है कहीं वो लड़की तो ये सबको नहीं भेज रही है। आई होप कि ऐसा ना हो, काफी बुरी तरह जियांग फैमिली में फंस जाएंगे। मुझे नहीं पता कि ये लोग सच में जियांग फैमिली से हैं और वो अपना समझकर टिंग टिंग और अंकल जियांग को अपने साथ ले गए हैं या फिर ये उनकी चाल है। सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं जैक उनसे बचकर किसी मार्केट में आ गया था और सबके पहनावा को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये सारे लोग नॉर्मल सिटीजन। आगे हम देखते हैं जैक यहाँ के मार्केट को एक्सप्लोर कर रहा था तभी वहाँ सौमिन भी आती है। आप सबको याद होगा सौमिन भी जैक के साथ इस वर्ल्ड में आई थी पर वो किसी दूसरे सेक्ट से है और कुछ लोग वहाँ मैजिक देख रहे थे। तभी उनमें से एक लड़की सौमिन को अपने पास बुलाती है ताकि वो दोनों भी मैजिक देख सके पर गलती से जैक उससे टकरा जाता है। वो लड़की कहती है तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम पागलों जैसा चल रहे हो। इतने में ही वहाँ दो बंदे आ जाते हैं और कहते हैं फिलहाल इस मार्केट में काफी सारे चोर घूम रहे हैं, तुम अपना सामान चेक करो कहीं ये चोर तो नहीं है। फिर वहाँ सौमिन आती है और वो जैक को पहचान लेती है। वो लड़की पूछती है सौमिन क्या तुम इसे जानती हो। सौमिन कहती है हाँ हम दोनों एक ही जगह से आए हैं, ऐसा समझो ये मेरा पड़ोसी है। वो लड़की कहती है तुम्हारा पड़ोसी तो भिखारी जैसा लग रहा है और सब उसे भिखारी समझने लगते हैं। इतना कुछ सुनने के बाद भी जैक उनसे कुछ भी नहीं कहता है और सौमिन भी उसे भिखारी समझती है। फिर वो उसे कुछ मनी देती है और कहती है अब से तुम भीख मांगना छोड़ दो। जैक कहता है थैंक्स पर मुझे इसकी जरूरत नहीं है। वो बंदे कहते हैं सिस्टर सौमिन तुम्हें मनी दे रही है पर तुम अपनी लाइफ भीख मांग कर गुजारना चाहते हो। सौमिन जैक से रिक्वेस्ट करती है कि तुम इसे ले लो और नॉर्मल पर्सन जैसा लाइफ बिताओ, जिस पर जैक कहता है कांग्रेट्स अब तुम तो काफी पावरफुल हो गई हो और ये लोग तुम्हारी काफी इज्जत करते हैं, तुम्हें तुम्हारी नई दोस्त मुबारक हो। वो लड़की कहती है सौमिन ऐसा लगता है कि ये बंदा तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता है। सौमिन उसे कहती है हाँ पर शायद 10 साल बाद हम एक दूसरे को पहचान भी ना पाए क्योंकि ये बस एक मोटल है। ये सुनकर जैक वहाँ से जाने लगता है। तभी वो बंदा उसे रोक लेता है और कहता है ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास सोर्स है, मैं उसके ऑरा को फील कर सकता हूँ। सौमिन पूछती है जैक क्या सच में तुम्हारे पास कोई सोर्स है। जैक कहता है हाँ किस्मत से उसे एक सोर्स मिल गया, जिस पर वो सारे लोग कहते हैं हमें ये सोर्स दे दो बदले में हम तुम्हें बहुत सारा मनी देंगे, पर जैक उसे एक्सचेंज करने से मना कर देता है। सौमिन उसे समझाती है तुम तो बस एक मोटल हो और ये सोर्स तुम्हारे किसी काम का नहीं है, बेहतर होगा तुम हमें ये सोर्स दे दो। जिस पर जैक कहता है तो क्या हुआ, सोर्स में तो लाइफ एसेंस होता है, मैं अपने लाइफ को एक्सटेंड कर सकता हूँ। सौमिन उसे दोबारा समझाती है तुम बस एक ऑर्डिनरी पर्सन हो, ये सोर्स तुम्हारे किसी काम में नहीं आएगी, बेहतर होगा कि तुम इसे एक्सचेंज कर लो बदले में हम तुम्हें काफी अमीर बना सकते हैं। जैक कहता है ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे को कभी समझ ही नहीं पाए और किसे पता फ्यूचर में क्या होगा, शायद मैं तुम्हें सरपास कर लूं। इतना कहकर जैक वहाँ से जाने लगता है। आगे वो सोर्स के छोटे से पीस से कपड़ा बदलता है और कहता है सच में ये सोर्स बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, इतना कुछ लेने के बाद भी उसके पास सोर्स है। साथ ही वो तीनों चमचे छुप कर जैक का पीछा कर रहे थे और जैक को भी पता था कि वो तीनों चमचे उसका पीछा कर रहे हैं, इसलिए वो उनको चकमा देता है। तभी वो देखता है जियांग फैमिली के वो बंदे उसे ढूंढ रहे हैं, सारे लोग उस सोर्स की वजह से उसके पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए वो फॉरन ही कल्टीवेशन करने का डिसाइड करता है और वो कुछ ही पल में उसे अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रिफाइन करने लगता है। रिफाइन करने के बाद उसे काफी अच्छा फील हो रहा था पर वो इस सोर्स से फाउंटेन ऑफ लाइफ को अचीव करना चाहता था। तभी उसे उन चमचों की आवाज आती है। जैक समझ जाता है कि वो बंदे यहाँ भी आ चुके हैं। जैक फॉरन ही वहाँ से निकलने की कोशिश करता है पर वो तीनों उसे घेर लेते हैं और उसे सोर्स मांगने लगते हैं। जैक सोचता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, लगता है इनको सबक सिखाना पड़ेगा। वो बंदे जैक पे अटैक करने जाते हैं पर जैक उसे डॉज करके अटैक करता है और दूसरे बंदे को गोल्डन सीट से घायल कर देता है। ये देखकर वो लड़की हैरान होती है और कहती है तुम्हारे पास तो पावर है, जिस पर जैक कहता है तो तुम्हें क्या लगा मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ। वो लड़की कहती है पर सौमिन ने कहा था कि तुम बस एक मोर्टल हो। जैक कहता है ये तो तुम्हारी गलत
गलतफहमी है। फिर वो लड़की जैक पे अटैक करने जाती है। जैक उसे भी गोल्डन सीट से घायल कर देता है और अब वो डिसाइड करता है कि वो सोर्स को किसी अच्छे जगह पे छुपा देगा। तभी वो सौमिन आती है और जैक को पता नहीं था कि सौमिन उसे सोर्स लेने आई है या फिर अपने चमचे को रोकने आई है। जैक फौरन ही वहां से चला जाता है और एक लेक के पास उस सोर्स को छुपा देता है ताकि अब कोई भी उसका पीछा ना करे और खास करके जियांग फैमिली के वो बंदे, और बाद में वो आकर इस सोर्स को यहां से ले जाएगा। आगे जैक एक रेस्टोरेंट में आराम कर रहा था तभी वहां एल्डर हान आते हैं और कहते हैं यहां पे कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां तुम मुझसे बच सको। जैक पूछता है आखिर आप मुझसे क्या चाहते हैं। एल्डर हान कहते हैं मैं तुम्हारे लिए एक पावरफुल एलिक्सर बना रहा हूं। जैक समझ जाता है कि ये अपने फायदे के लिए मुझे यूज करना चाहते हैं। जैक तो उस पे अटैक करने की सोचता है पर वो रुक जाता है क्योंकि एल्डर हान बहुत ही पावरफुल है, जैक उसका मुकाबला भी नहीं कर सकता। फिर वो एल्डर हान से पूछते हैं आप तो लोगों को मेडिसिन बनाने के लिए यूज करते हैं। एल्डर हान कहते हैं हाँ, और ये जगह लिंजो कैब से 100 miles दूर है और वो पहले ही जैक पे एक मार्क छोड़े थे, इसलिए वो आज इतने आसानी से जैक को ढूंढ लिए और अब वो एल्डर हान से कभी भी बच नहीं सकता। जैक फौरन ही वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर एल्डर हान अपने मैजिक से उसे पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाने लगते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे एल्डर हान जैक के साथ क्या करते हैं। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।